गुरु साहब जी ने महान कृपा की थी, रल मिल बैठण दा सुभाग मिलिया। हर संग्राम ते ही आपां संग्राम दे बहाने आपां ये कह लो जुड़ बैंदे आ, याद रह जांदा। देसी महीने की पहली तरीक कह लो, देसी महीने की पहली तरीक नूं आपां सारे महाराज दे चरणां च हाजर होंने। सो काफ़ी समय तो आप जी ने गुरु सवारे गुरमुखां पासों कथा कीर्तन का आनंद माणिया। संगत का इकट्ठ काफ़ी ज़्यादा है, पहलियां संगरांदा नालों भी ज़्यादा संगत है। अज मथा टेकन वाले नूं बेनती है छेती छेती नमस्कार करो, जिथे जगह मिले पंडाल खोल दिता गया है, आसे पासे भी बैठिया जा सकता है। आने वालों को बेनती है भी छेती छेती मत्था टेक के सज जाओ, बिल्कुल एकाग्रता बना के बैठना है। वैसे तो सारे स्रोते ही होंगे ने, मैं जो आया ना कई कई फुटपाथा ते सुते वेखे, मैं फुटपाथ ते लम्मे पै गई। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8-9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 8-9 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸੌਂ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ संगत विच भी झपकी लग जाती है, कईयां नूं नींदर आ जाती। साढ़े एक बारी इत्थे संग्राम दा दवान सी, पंडाल इदां ही लगा, सजाउण वाला विचों कोई कई कारीगर हुंदे ने ना, किन्ना ने कईयां ने टेंट लाउणा है, पाइप लाउणे ने, किसे ने लाइट लाउणी हुंदी है, किसे ने मैट बिछाणा हुंदा है, विछाई करनी हुंदी है, किसे ने स्टेज सजाउण दी सेवा सांभी हुंदी है। तो अगले दिन सवेरे जदों वेखिया तो एक स्टेज के थले काम करने वाला सी, थले सुता स्टेज के, जो सवेरे नूं पुछया भी तू कदों सौं गया सी, कहिंदा दवान शुरू होने तो पहला सौं गया सी। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या इन्ना कुछ होया तैनूं पता ही नहीं लगा, तेरे उत्ते स्टेज ते इन्ने साज जोर नाल वजदे तैनूं नहीं पता, कहिंदा मैनूं नहीं पता लगा, ऐसी गूढ़ी नींद सुता भी स्टेज के थले ही सुता रहा। महापुरश पढ़ते होंगे भाग जिन्हों के माड़े दिती बाग तो ना जागते, मैं क्या एड्डी नेड़े तेरे कन्ना दे नेड़े कुकड़ बोलिया तू फिर भी नहीं उठिया, इन्ना रौला पिया, इन्नी उच्ची उच्ची सारे बोल देन तेनू पता ही नहीं लगा। ओदी गल नहीं बई, माफ करना, असी अपने हाल वेखीए, असी किन्ना कुठने आ, सुन लैने प्यार नाल, बड़ा सिर मारने, बड़ा कहने हाँ जी बस अज तो बाद ते बस फिर भुल जाने। जागया होया ना जेड़ा उन्हूं उठाउण दी लोड़ ही नहीं पैंदी, जिन्हूं फिकर है वो उठिया होया है, वो जागया होया है। साढ़े सतगुरु सानू आवाजा मार मार के जगांदे ने, पर सुन लैने आपां एक करी, जिमें बच्चे कई बार एक करी हाँ उठदा बस इदा कह के फिर सौ जाते, बच्चों आदत होंगी ना घर अपने आम ही है, बच्चों कानू व्डियां भी है, जे 7 बजे उठना है तो 5 बजे माँ ठाण लगती है, कहिंदियां 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 तां 7 बजे उठता, जाके दो घंटे उन्होंने उठाने पर लग जाते हैं, फिर उठाया फिर सौ गया, बस 1 मिनट होर फिर सौ जाते, बस 2 मिनट होर दे दौ फिर सौ जाता। इदा ही होंगे, असं करते ही रहे निके होंगे, मावां ठांदियां ने फिर सौ जाइए, फिर ठांदियां ने फिर सौ जाइए, ये हाल है साडा। सानू गुरबाणी माँ उठांदी है, कदी कदी सानू गलवकड़ी पाती है, जफ्फी पा लैंदी साडी माँ, साडी धा निकल जाती है, मैनू पापी तू गलवकड़ी पा ली। वेख्या कई बंदे रोंदे दवान विच, रोंदे वेख्यो बड़े रोंदे, जदों गुरबाणी गाई जाएगी उन्हां दे अखां चों त्रिप त्रिप हंझू चल देन,
कई आखणगे खरे हुंदा मैनू की है जदों कीर्तन हुंदा है मेरा रोना ही नहीं रोकदा बाबा जी मैनू बड़े लोग इदां पुछदे ने जदों मैं दवान चाहुंना जदों मैं कीर्तन सुनना मेरिया तिखा ही नहीं सुकदियां फिर मैं उहनू कहिंदा हुंना तैनू गुरबाणी माँ जिहड़ी है ना वह गलवकड़ी पाती है तेरा तां रोना निकल जाता है। एयरपोर्ट ते दो तरह लोग रोंदे है सुनियो एयरपोर्ट ते दो तरह लोग रोंदे है एको जिहड़े चढ़ाउण जांदे है ते वह भी रोंदे ने जिन्हां दा पुत्तर 15 सालां बाद वापस आ रहा हुंदा जदों माँ पुत्तर दा विछोड़ा पैंदा है माँ ते पुत्तर उदों भी रो पैंदे ने ते जदों 15 सालां बाद मिलदे ने किते 20 सालां बाद धा उदों भी निकल जांदी है। ये मिलाप दा रोना हुंदा है बई जिन्हां नूं संगत विच रोना हुंदा ना वो तो फिर अपने उगण वेखदे हुंदे ने वी मालका तू मेरे ते कृपा कर दित्ती मैं बह गया तेरे चरणा च मैं लै की नहीं इस दे तुसा मैनू भा लिया। वो फिर जो गुरबाणी गलवकड़ी पाती है ना सानू कई बार साडा उदों भी रोना निकल जाता। हुण जे जिन्ना पापी ज़्यादा होएगा उन्ना शुकराना ज़्यादा करेगा जे अज सरकार करजा माफ कर दे मन लो भी अज सरकार कह दे जिन्ना करजा सारा ही माफ वैसे कहना तो नहीं चलो उदा ही गल कर लो चलो सोचण की गल ही है योजना गल् आप सोच ही सकते हैं योजना गल् सोच ही सकते हैं ना होंदिया तो नहीं ना वास्तव में ऐसा लभदा तो नहीं ना अज माहौल इदा का वो आप ही अपने ढिड भर लैन इन्ना ही बड़ा गोगड़ा एडिया वधाई फिर भरदिया ही नहीं अपने ढिड भर लैन किसी का की सवारना इन्हों वो तो आप दिसदा ही है वेख ही रहे हालात की ने साडे पर चलो एक गल सोच वाली हुई है ना सोच ही सकते हैं बई कर सरकार कह दे सब का करजा माफ जे कह दे सरकार अच्छा एक ने तो लिया है 5000 एक का करजा है 50000 एक ने जमीन पर करजा लिया है 5 लख ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ 5000 ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ 50000 ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ वैसे जुड़ते तो सारे ही ने पर उन्हों ज़्यादा हुंदा है कि मैं तो बिल्कुल ही गरकिया पिया सी बई ये की गल बन गई मेरे वर्गे ते तरस कर लिया जिवें साडे गुरु जी सानू ये तरीके ही दसदे ने होर उन्हां चौगण थोड़ा कोई तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतो ही तू मैनू जोग बनाता मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्यो ही तेनू तरस आ गया मेरे ते। सो इस करके संगत विच आ के कई बारी हलूणा आउंदा है जागने आ फिर सौ जाने जागया मनुख सदा जागया है ये नहीं हुंदा इत्थे जागया है बाहर जाके सौ गया फिर जागया फिर सौ गया इदा नहीं हुंदा जागया बस जागया ही है सौ गया जाग पिया की है जागया जागया बस एक करी सुरत जाग पवी पई सतगुरु की आवाज़ पहुँच गई इत्थे अमेरिका च बाबा मक्खन शाह लोबाणा उन्हां दा गुरु लाधोरे दिवस मनाया। वर्ल्ड विच वैसे जदों दवान चलता है लाइव टैलीकास्ट हुंदा सारी दुनिया च ही सुनदे हुंदे ने जिवें हुण अज दा दवान है 3 चैनल ने टैलीकास्ट करदे ने घरां च बह के लोग टैक्सी च बह के कोई सुनदा होना है गड्डियां चलांदे ने कोई ट्रक दे विच ला के बैठा बाहर ये सहूलत ज़्यादा इत्थे घट है ट्रक दे विच ही फोन विच ही लग जांदा उहदे च ही सुनी जांदे ने कोई टैक्सी चलांदा सुणदा है कोई जॉब करदा उत्थे ही कोल मोबाइल रख लैंदा दवान चली जांदा उहनां नूं इह लगदा सी विच ही बैठे हैं हाजरी लग रही साडी इह बड़ा सहूलत है सौखा है काम ते उत्थे जिहड़ा दवान चलदा सी उहदे विच वी इदां ही होया सी ते मैं उत्थे वी अर्ज कीती सी मैं क्या बाबा मक्खन शाह नू लभ गया
असी मना च झाती मारो भी सानू की लभ्या, आपां सारी जिंदगी इदां ही कहिंदे रहना है। बाबा मक्खण शाह नू लभ गया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, सानू की लभ्या। ये तो वेखिए भी सानू की लभ्या। फिर बाबा मक्खण शाह ने आवाज मारी, की फायदा उस आवाज का जे साड्या कन्ना तक अजे तक पहुंचू ही नहीं। आवाज तो मारी, कन्ना तक पहुंच गई। उन्हें पल्ला इदा मारिया, कोठे से खलो के आख्या कच्ची छड़ दे आ जाओ, सच्चा लभ गया। साढ़े तक जे बाबा मक्खण शाह की आवाज़ नहीं पहुंची तो साढ़े लिए की लभ्या, सानू उहदा की फायदा होया। आवाज तो मारी ये सही है, साढ़े तक अपड़ी हुई नहीं, असं तो सुते ही पे हैं, असी तो हिम्मत ही नहीं की। ते जे अज सानू भी सच्चा गुरु लभे, साडियां भी लोकी गल्लां करन। बाबा मक्खण शाह धन है, क्यों कहिंदे उहनू सच्चा लभ गया, सानू भी लभ्या होया। ते मैं भी कहा प्यारे हो, वो ते लभ्या ना, सानू ते कलगियां वाले लभ के दे गए ने। क्यों भाई ना, सानू ते लभ के दे गए आ, सानू लभना पैना, सानू लभना पैना है। सानू ते कलगियां वाले कहिंदे ने लभ के मैं दे चलिया, 250 साल लभण ते ही लगा है, 250 साल लगा है। लो भाई, लो लभ के दे गए, हुण पछाण लियो। हुण की है, लभ के दे गए ने पर पछाण नहीं। पछाण ना होवे, भावें कोई साडा जिन्ना मर्जी नेड़ला होवे, पछाण ना होवे। फोन ते गल करदे रहे हैं, सुनिया बड़ा है किसे बारे, अपने अंदर रिस्पैक्ट भी बहुत है, पर सानू बंदे दी पछाण ही नहीं, साडे कोलों भी लंघ जाए की फायदा। असी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह लभ के जरूर दे गए आ कलगियां वाले, पर माफ करना सानू अजे पछाण नहीं आई। ते जे इन्हां नू पछाणांगे, इन्हां ने फिर साडी पछाण करा देनी है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पढ़ दिओ पंगती, बेनती है संगत जिहड़ी है ना, बिठा दिओ, मत्था टेकी जाणगे फिर टाइम बहुत लग जाए। बीबियां नू बीबियां वाले पासे बहा दिओ, सिंघां नू सिंघां वाले पासे, रस्ता ही रस्ता भी बंद कर दिओ, भावें रस्ते च ही बहा दिओ सारिआं नू। नाले ते संगत बह जाएगी, नाले थोड़ा सौखा हो जाएगा, थां कवर हो जाएगा। मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग माण। मन हर जी तेरे नाल है, रब जी तेरे नाल ने, वाहिगुरु जी तेरे नाल ने, मालक तेरे नाल ही है। पर हाँ जी, रंग मन, रंग कोई आ चकली नहीं हुंदी, कोई पेंट नहीं हुंदा, ये हुंदा प्रेम रंग। जदों रंग आउंदा ना गुरबाणी च, इहदा मतलब है प्रेम रंग, उहदा प्रेम माण। पर किवें, गुरमती यारां दी मत लै के नहीं। जिहड़े कहिंदे ने फिल्म नवीं आई है जरूर वेखणी है, मिस नहीं करनी, आपां अमृतधारी हाँ, अपने इलाके च नहीं दूजे इलाके च जाके वेख लैंदे आ। वेखनी जरूर है, फलाने सिनेमे च चलते हैं, उत्थे आपां नूं कोई नहीं पछाणदा, कोई उत्थे नहीं जाणदा सानू कोई। पिछली संगरांद ते भी कहा सी, चलो बई जाना जरूर है, यारां दी मत लै के नहीं। गुरमती रंग माण, बई माण सकना है। सतगुरु होए दयाल तां हर रंग माणिया, माणिया जा सकता है, हर रंग माणिया जा सकता है। पर मत लैनी पैगी सतगुरु जी की, सतगुरु कृपा करते ने तां गल बनती है। यारां दी मत लैके नहीं। वेखियो जदों गुरु पछाणांगे, गुरु जी पछाणे गए, तो गुरु जी ने साडी पछाण कराणी है। जदों साडी पछाण आउणी है, फिर रब की पछाण होनी है। रब न लभण जाओ, इदा लगता मैं अपने आप न लभना,
ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਤ ਪੋਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਐੱਮ ਏ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ 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 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਐੱਮ ਏ ਤੱਕ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਵੇਖਿਓ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਡੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 5-7 ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਆਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਮਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 32ਵਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ 16 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਓ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਆਉਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟਣਾ ਉੱਤੋਂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਸਤਿਬਚਨ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੀਬਨ ਬੰਨ ਦਿਓ ਸਤਿਬਚਨ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਸਤਿਬਚਨ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਓ ਮੂਰਤੀ ਧੋ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੱਥ ਕੋ ਪੀ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਸਤਿਬਚਨ, ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਬਚਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੁੜੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਵੈਦ ਆਪਣੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ,
जे तेनू नुस्खा दसता तू अपनी आपे बना लेगा, मुड़ के वैद कोल किन्ने जाना है? नुस्खा दस दिता उन्हें आपे अपनी दवाई बना लेनी। अच्छा जे हो जी वैद नू दवाई, उन्होंने जाके दसना बीमार हाँ, उन्हें दवाई दे देनी। किसी ने सवाल नहीं सी करना, दसो जी ये पुड़ी विच की पाया है, इहदे विच की पिया है? हुण एलोपैथी दवाई खांदे हो उहदे उत्ते लिखिया हुंदा है इहदे विच की पिया है, इहदी मात्रा किन्नी किन्नी है कि नहीं? इदां भी इह दवाई दे विच की कुछ पाया है तुहाडे कोल? जदों डब्बा खरीदोगे ना कोई डॉक्टर कोलों लिओ, वह पाउडर लिखिया है ये आ कुछ आ इन्ना इन्नी मात्रा है, आ इन्नी मात्रा है, आ इन्नी आ कुछ ये पाया है। अज सवाल है तो सवाल का जवाब है, तो लोग एलोपैथी ज़्यादा लैणगे। हकीमां कोल कोई नहीं जाता, हकीमां कोल क्यों नहीं जाते? क्योंकि लगता भी किवें नीम हकीम खतरा है जान, भी यार पता ही नहीं पाया कि ये एवें किवें, क्यों भला? माइंड डिवेलप हो गए, शार्प हो गए दिमाग, तीखण हो गई बुद्धि, हुण की है हुण ज़्यादा खुराक देनी पएगी। वेखो छोटा शरीर है, हुण मैनू दो प्रशादे दे दिओ मैं छक लैना, ओके ठीक है जी, दो नाल रज गए रज गए। हुण जिहड़े बंदे च एक क्वांटल भी किलो वजन साडा ढोलकी वाला इधर, हुण ये रज जाएगा? अज पिछे इधरले पासे दूजा, ये वेखो ना, इदां ही समझ लो बस। तुहाडे नेड़े तेड़े बैठे ने कई वड्डे वड्डे, हुण रजदे ने, हुण पंज सत्त सवेरे चाहीदे ने, कई गिण के नहीं तह ला के खांदे ने, तह ला के। हुण उहनां नूं ते कई कुछ चाहीदा है, हुण थोड़ा जिहा एक दो ब्रैड खा के कई चलो जी ठीक है। अच्छा कई नहीं रजदे, शरीर वड्डा है, कपैसिटी ज़्यादा है, भुख ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा खाणगे तां रजणगे ना। छोटा जिहा सी, ब्रेन डिवेलप नहीं सी होया, थोड़िया जिहियां गल्लां नाल रज जांदा सी। ज्ञान दी, भोजन दी, भजन दी भुख, भज भोजन दी थोड़ी लगती सी, छोटे शरीर नूं थोड़ी भोजन दी भुख लगती है, वड्डे शरीर नूं ज़्यादा लगती है। डिवेलप माइंड हो जाता जिहड़ा, उहनूं भजन दी ज़्यादा भुख लगती है, ज़्यादा नॉलेज चाहीदी है, थोड़ी जी नाल नहीं सरदा। ते चेता रखियो जिहड़े बंदे दा शरीर होवे वड्डा, खुराक दिओ थोड़ी, वह नहीं रजना, वह सारा दिन दुखी रहेगा, क्यों भला? उन्हू पांच सत्त रोटियां चाहिए, तुम दो ही दित्तियां ने, औखा होएगा सारा दिन, उन्हें कम करना है। तो माफ करना, अज साडे बच्चियां दे दिमाग तेज हो गए ने, असी कहने थोड़िया जी गल्लां दसनिया ने बस, ये गुजारा कर। साडे बच्चियां दे गुजारे नहीं, ना गुजारा होण करके साडे बच्चे जिहड़े ने वह नशे वाले पासे पै गए, गलत पासे पै गए, पुठे पासे पै गए, क्यों भला? असी उन्हां दे ब्रेन दे हिसाब नाल उन्हां नूं खुराक नहीं दे सके, समझा नहीं सके। अज ते इन्ना ही कहने, बेटा जी अखंड पाठ कराया है, बस तू चौर कर लै, आ रुमाला चढ़ा लै, आ लो प्रसाद लै लो, लो जी गल खत्म। इदां किवें खत्म? इन्हां नूं फिर तुसीं आ खोज नहीं दसी, समझो आ खोज नहीं दसी, इन्हां ने फिर कंप्यूटर चों होर कुछ कढ़ना शुरू कर दिता, वह गंद मंद भर लिया दिमाग विच, वह खुराक ते चाहीदी हुई सी। जदों नहीं मां ने रज के रोटी खवाई, वह बाहरों गंद मंद लग गया खाण, ढेडों ने भर लिया, पर हुण गंद चलिया गया अंदर, दिमाग ते फीड कर लिया, हुण पुठा कर लिया। जदों नहीं मां ने रजाया उहने पुठा कर लिया, बाहरों खाण लग पिया, ढाबे तो खाएगा भी नहीं रज के आए घरों, अज ढाबे तो ही खा लो, वह मखियां भिणकदियां गंदा मंदा ही खा लिया। हुण फिर उन्हें ज़्यादा खुराक चाहिए, हुण पूर्ति कौन करे? धन गुरु, बोलो जी धन गुरु, ये करनगे पूर्ति। दसना पएगा एक ओंकार की है। बेटा जी मूल मंत्र दे पाठ करिया करो, सवा लख बाबा जी ने दसिया करो, तुहाडे कारज हो जाणगे। तुहानू दसना पएगा सतनाम की हुंदा है, निरभउ की हुंदा है, निरवैर की हुंदा है, अजूनी की हुंदा है, सहभंग की हुंदा है, गुरप्रसाद की है,
जप की है, किदा है, किवें है? आद सच किनू कहिंदे ने? जुगाद सच है कौन? है भी सच, नानक होसी भी सच। खुराक ज्यादा इन्हां नू देनी पैगी ते अज औखे आ। मां कहिंदी सप बाबा जी भी हुंदे ने बेटा, गुग्गे दियां सेवियां चढ़ाइए। चलो जी बेटा साडा, वह हुण फिर भी स्कूलां कालजां च पढ़दे ने, जां ते पढ़ने ना पाते। अमरीका वाले मैनू मेरे कोल बहण गए, बाबा जी बड़ी जिंद दुखी है। मैं कहा बच्चे बना ले गोरे, दिमाग गोरिया वाले, तुहाडियां गल्लां देसी ये किवें मन्नणगे? दिमाग इन्हां दे गोरिया दे स्कूलां च पढ़ते ने। ये तो कहिंदे लॉजिक दसो, दलील दसो, मनना तो क्यों मनना है? सिर ढकना तो क्यों ढकना है? पग बननी है क्यों बननी है? केस रखने ने क्यों रखने ने? ककार पाने ने क्यों पाने ने? अमृत छकना क्यों छकना है? वाए क्यों? हर गल च सवाल कर दें, जवाब दोगे तो गल बनेगी। तो मैं उन्होंने कहना हूं भी जाते रहेंगे पंजाब विच, ते जे इतों तक लियाए हो फिर इन्हों खुराक पूरी दो, इन्हों समझाओ ता समझणगे। तो मैं अर्ज कर रहा मेरे वीरां नू, मेरे भरावां नू, वेखो जी वड्डियां दा समां लंघ गया। साढ़े मापे जिथे कहिंदे सी मत्थे टेक देंदे सी, हुण समां बदल गया। जिहड़े जर लगे दिमाग सी ना ब्रैंड न्यू, जिहड़े वरते ही नहीं सी, जिहड़े इदां ही पैक ही आउंदे सी, पैक ही सड़ जांदे सी, वरतदा ही नहीं सी दिमाग, वरतदे ही नहीं जिहड़े, हुण ते उहनां ने भी वरतने शुरू कर दित्ते ने। जिवें तुहानूं मैं दस्सिया सी वी बुढ़े भी फोनां ते लगे ने, फेसबुकां ते बुढ़े भी फोन चलाते ने, हुण उह वी जर जिन्हां नूं लगी सी हिल गए ने, हुण उहनां नूं वी लोड़ है, सवाल करन लग पए ने। हुण भाई ये जिहड़ी संतुष्टि है ये सतगुर बिना नहीं करवाउणी किसी ने, ना जी ना। ਇਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਲੱਭਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਓਹੋ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਉਹ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਪੜੋ ਪੈਣੋ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ
खजाना खोल गज के रत्ना दे ना वेखे अख जाना मैं ता वेखे रत्ना दे नाल परे प्यौदा दे दा खजाना खोल वेखे रत्ना दे नाल परे आजी रत्ना दे नाल परे पढ़ो भैन प्यो दादे दा खजाना खोल वेखे वाह रत्ना दे नाल परे बाबा बाबा रत्ना दे नाल परे बाबा बाबा रत्ना दे नाल परे बाबा बाबा रत्ना दे नाल परे खजाना खोल वेखे रत्ना दे नाल परे प्यौदा दे खजाना खोल रत्ना दे नाल परे रत्ना दे नाल परे खोल देखे रत्ना दे नाल परे प्यों का दिल दाख जाना खोल देखे रत्ना दे नाल परे हाँ जी साडे वड्डियां वल्लों दिता खजाना जदों खोलांगे वेखांगे फिर पता लगना है समझांगे फिर पता लगना है बड़े कहणगे साडा बच्चा 7 साल दा है अच्छा जी 4 साल दा पढ़न लाया सी हाँ जी कहिंदे जी 3 साल होए आ पढ़दे नूं अंग्रेजी ऐं बोलदा फटाफट कई कहणगे 10 साल दा बच्चा चिट्ठी पढ़ दिंदा है चिट्ठी आउंदी है अंग्रेजी विच सानू पढ़नी नहीं आउंदी बच्चे नूं फड़ाने आ बच्चा पढ़ के सुना दिंदा है दवाई का ना पढ़ के सुना दिंदा है कई इदा कहिंदे आ अच्छा जी किन्ने साल होए आ बच्चे नूं दाखला लए नूं कहिंदे जी 5 साल हो गए आ फिर उहनूं पुछीदा सिखा तैनूं अमृत छके नूं किन्ने साल दाखला लए नूं हो गए आ कहिंदा जी 15 साल हो गए आ स्कूले ते तूं वी रोज़ जाना गुरद्वारे तेरी पढ़ाई कित्थे तक पहुँची है असी किन्ना पढ़े हैं असी सोचे भी अमृत छक लिया ठीक है गुरुद्वारे जाना है ठीक है बस इन्ना ही काम है दाखला भी करा दियो बच्चे नू यूनिफॉर्म भी पवा दियो स्कूल वैन ते रोज़ जावे ते 12 घंटे 8 घंटे रोज़ स्कूल विच ला के वापस आवे कोई पीरियड अटेंड ही ना करे कोई पढ़ाई ना करे सिखे ही कख ना 12 साल 15 साल भावें 20 साल जांदा रहे उहदे कपड़ियां नू की करोगे यूनिफॉर्म जरूरी है पर पढ़ाई सब नालों जरूरी है ये गल बहुत ही वड्डी मैना नहीं रखांदी पग तू तिखी बनी है कि गोल बनी है कि दमाला बनिया किदां दी बनी है तू पटियाला शाही बनी दस्तार सजा लै जिदां दी बजदी है बन लै ये गल मैना नहीं रखती कई तो पग्गां चुलजे फिरदे आ इत्थे लड़दे वेखे बंदे पग्गां पिछे लड़दे वेखे मैं मैनू कहिंदा तुसीं पग्ग इदां एक बंदा मैनू कहिंदा
ਉਹ ਪੱਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ? ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿਣ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਲ ਬੰਨ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਨ ਲੈ, ਫਿਰ ਫਬਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਆਹ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸੋਈ ਢਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਣਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੱਟ ਜੱਟ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੰਡਾਸੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੋ, ਜੱਟਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਜੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਸਤਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਰੰਗ, ਸੱਚ ਰੰਗ, ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਜਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮਨ ਬੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਜਿਣਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ ਜੱਤ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੱਤ 'ਚ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫੀਡ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੱਤ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਪੱਲੇ। ਸੰਗਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
कशहरे नाल नहीं बजना है इन्हें, इन्हें बजना है ज्ञान नाल। ज्ञान नाल मन काबू आएगा ते माफ करना तां तन काबू आएगा, तां पता लगना है। मन नू ज्ञान दा संगल पिया होया है फिर ककारां दी अहमियत दा पता लगदा है। नहीं ते दस्तार बन्नियां वाले भी गलतियां करदे ने। माफ करना अज कहना माफी मांग के बेनती कर रहे हैं। देखण वाले बड़े कहण कहाउण वाले जती सती विगड़े वेखे है, बड़े इदां दे भी वेखे। इस करके जत कायम रहना है गुरबाणी दे ज्ञान नाल, सतगुरु की सिख्या जे पल्ले होएगी सत कायम रहना है। करैक्टर बनाउणा है साडा गुरु ग्रंथ साहिब ने। इस करके भाई आओ हुण इन्नी क बेनती बहुत है, अगे हुण सावण का महीना भादों का चढ़िया, सावण कल खत्म हो गया। कल कहिंदे जी 32 सावण, कल मैनूं कहिंदे मैं किन्ने सावण है, कहिंदे 32 सावण, होर तरह लग्या 32। इहदे विच है महीने 32 का भी, 32 तरीक कल 32 सावण सी, अज एक भादरों। हुण महीनिया दिनों के हिसाब नाल साडे गुरु जी ने सानू सिख्या दित्ती, भावें कि महीनिया दिनों थित्तां वारां दा गुरमत विच कोई भी संबंध नहीं। दिन कोई चंगा जां माड़ा नहीं हुंदा, इह तुसीं बहुत विस्थार नाल और कई बारी सुन चुके हो। दिन नूं चंगा बनाना है, कर्म चंगे बनाने ने। दिन रब जी ने, वाहिगुरु जी ने कोई माड़ा जां चंगा नहीं बनाया। कोई थित, कोई वार, कोई टाइम माड़ा जां चंगा वाहिगुरु जी ने नहीं बनाया। असीं चंगा बनाना है। माफ करना अमृत वेला भी रब जी ने नहीं बनाया, अमृत नूं भी अमृत वेले नूं भी अमृत वेला असीं बनाउणा है। अमृत वेला कदों बनता है ये तुसीं एक बारी अगे भी सुनिया सी, सीधी जी गल सुन लो। रोटी खाओ रोटी वेला, चाह पियो बोलो चाह पियो चाह वेला, जदों अमृत पियो अमृत वेला। जदों साडा मन अमृत पींदा ना, चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। जदों मन अमृत पींदा है, जदों मन नूं ज्ञान मिलदा है, उदों अमृत वेला है। ते अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। प्यारिओ दिन विच 10-10 वारी संभालो, 10-10 वारी अमृत पीओ, 10-10 वारी गुरबाणी नूं समझो। दिन विच ये नहीं भी 3 तों 6 अमृत वेला है, नहीं, वध तों वध समा गुरबाणी नूं समझेगा जदों, उदों ही तेरा अमृत वेला बन जाएगा। ते चाह पीती नहीं चाह वेला किवें बन गया, रोटी खाधी नहीं रोटी वेला किवें बन गया, ते जे सवेरे उठ के अमृत पीता ही नहीं ते अमृत वेला किवें बन गया। नॉलेज ते मिली नहीं कोई, सवेरे उठिया 3 घंटे उठ के फिर नींदर चढ़ गई, वह भी टाइम पास करते हैं आप, भी हर वेले यही चिंता भी उठना है। अच्छा जो उठ पे फिर मान बड़ा है, गल्लां गल्लां वासियां नहीं लई जांदा सामने आकड़, की होया थकिया थकिया लगना, वह बस जी 2 बजे उठ पईदा है, हुण इस वेले नींदर जी आउण दा बहाने दसदा है, दसना चाहुंदा है ना, सुस्ती पै रही वासियां लै रहा की गल बई की गल नींदर आ रही। हाँ जी बस आपां ते सौईदा ही 3-11 बजे सुते 2 बजे उठ पईदा, गल्लां गल्लां च उहने सानू सुनाणा है मैं अमृत वेले उठदा। अमृत वेले कल्ला उठ के गल नहीं बननी, सारी सारी रात ट्रक ड्राइवर जागदे ही रहिंदे ने, चौंकीदार सारी सारी रात जागदे रहिंदे ने। किन्ना अमृत पीता, जदों सुरत अमृत पीएगी अमृत वेला हो जाएगा। ठीक है बहुतात है, 90% लोग 10-11 बजे सौंदे ने ते 5-6 बजे उठ पैंदे ने, उस वेले चिड़ियां दे बोलण दी आवाज़ आउंदी है वह भी उठदियां ने, वह माहौल बड़ा चंगा हुंदा रब नाल जुड़न दा। बस उस वेले विच तू अमृत वेला उन्नू बना लै, अमृत वेला बना लै, उदों भी बना फिर दिन च कई कई वारी अमृत वेला बना। यह तो गुरबाणी मनदी है भी वह समा चिड़ी चौकी पौ फुट्टी वाली गल ते है, पर जे कहोगे भी उही अमृत वेला है, आ हुण किहड़ा जहर वेला चल रहा, माफ करना जे हुण साडे मन नूं ज्ञान मिल रहा है, बस मन अमृत पी रहा, मन पीवै सुन शब्द
ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ 8 ਤੋਂ 2 ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ 2 ਤੋਂ 8 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਇਮ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਉਹ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਗਿਣਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਗਾ ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੇ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਬਸ ਅਸਲ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਲਓ ਲੱਗ ਗਈ ਮੌਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ ਹੈ ਨੇ ਕਈ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਉਠਜਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹਰ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਵੇ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲਓ ਬਣ ਗਏ ਜਤੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅੱਛਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਖਾਣੇ
देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणा है। लो जी किन्ने ने तुहाडे च जिहड़े सिर्फ अपने परिवार तक ने, किन्ने ही जती बन गए, किन्ने ही। ते जिहड़ा बंदा इदां नीवी पा के बहिंदा, इदां डेड हो के, वह इदां होया। अच्छा, सानू तो पता ही नहीं सी कैम हो जाएगा। लो जी असी भी जती हुई हाँ, असी गुरु गोबिंद सिंह नज़रां च कोई माड़े नहीं, असी तो एवें डेड होए फिरने। लो जी सानू तो पता ही नहीं सी, वो की होएगा? वो कॉन्फिडेंस में आ जाए। इनू कहिंदे चढ़दी कला, चढ़दी कला च रहना है साढ़े कोल। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह है ने, जे सही डेफिनेशन दसोगे। इत्थे कोई गल इदां दी नहीं जिहड़ी कमाई नहीं जा सकती, बस लोड़ है अपनी जिंदगी विच लागू करिए, कमाइए, आप कमाई करिए, आप मेहनत करिए। बाबा मक्खन शाह ने लभ्या सानू, कलगियां वाले लभ के दे गए, असी जदों पछाण लिया असी बाबा मक्खन शाह जी वर्गे हो गए, असी भी हो गए, असी भी अपने गुरु दे गुरु ने सानू जो सिखाया असी सिखिया ते चले। बा प्यो पुत्र वर पुत्र प्यो वर्गा हो गया, लायक पुत्र बन गए। साढ़े उत्थे खंडपड़ साहब सी किसी जगह कीर्तन होया, जदों महाराज गए ना अमरीका भोगते गए सी किसी दे घर, जदों साढ़े साडा ही सिंह सी कोई विचों ही सी बाहर ही, तो वह अरदास उन्हें की। मैं क्या अरदास करते समाप्ति की, जदों लगा ना अरदास करन, कहना सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी के सवारे की सेवा होई है, निज अस्थाना ते चाले पाउण दी आग्या बख्शो, शहीदां दा पहरा ला दिओ। उन्हें इदां कहा। मैं अरदास कदों अरदास पूरी हो गई, मैं क्या आपां ते जिउंदे ही मरे होए हाँ, खलोते ही अरदासां कर शहीद भेजो, तुसी कौन हो जिहड़े पंज जणे चले हो गुरु ग्रंथ साहब के सरूप के नाल? इह क्यों नहीं कहिंदे भी जे कोई लोड़ पै गई असी शहीद हो जाएंगे, ना बाजा ही मारी चलो। असी कुछ नहीं बनना, वा भेजो, भेजी चलो वा सच्चे पाया, तुसा भेजना है, असी तो मरे हैं। बाबा जरनैल सिंह होना ने आख्या भेजो, बाजा वालिया बाज नूं भेज, मुड़ के तित्तर फिर उडारियां मारदे ने, तेरे खंडे ने जिन्हां दे मूँह मोड़े अज फिर पै सानू ललकारदे ने, बाजा वालिया बाज नूं भेज, मुड़ के तित्तर फिर उडारियां मार देन। वह आप ही बाज बन गए, उन्हां बाजी नहीं मारी। क्यों जी? आवाज नहीं मारी, बन गए के उड़ीका हो गए हमेशा। वेखे ने गल्लां करदे लोग पंथ का की बनेगा, उत्थे चाह दियां चुस्कियां लेंदे अमरीका च कई गल्लां करनगे मेरे नाल, मैं जावां बाबा जी पंथ का, ओहो अच्छा जी मैं भी कोल बैठा, अच्छा ओहो मैं भी नाल इदां कर, ओहो बस चाह दी चुस्की नाल की बनेगा पंथ, ओहो कुछ नहीं बन सकता। बस करके दो गल्लां हो गई गल, बाबा निबड़ गया काम। असी की कीता जिंदगी अपनी च? भगती करो। कल एक सिंह मेरे नाल गुरमुख गल करते, मैं उन्होंने बेनती की भगती कर दो, शाबाश धन पा करो, लोड़ है प्रचार की भी सेवा की भी, सब कुछ अपन अपन ड्यूटियां। बेच उन्होंने गल कही, कहिंदे साढ़े गुरमुख कहिंदे सी भी दवान विच साखियां एवें लोगों दियां गल्लां करनियां, दुनिया के दुख लोगों के एवें औगण वेखने, भी ये चाह घाट है, ये चाह वेखो ही ना, अखा बंद कर लो मैनू कहिंदे। मैं क्या जी वो तो ठीक है सत बचन, लम्मी गल साडी घंटा एक चलती रही, डिस्कशन होंदी रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वेखो इत्थे तुसी जदों आए हो ना अंदर, एक सामने हॉल बनया जिन्हों असी कहने कलगी धर संगत निवास, वो कोठी नहीं बन रही भी मेरी कोठी बन रही है, साड़ी रहायश उत्थे दो कमरे थले बने हैं, एक उपर बनया, एक मेरी लाइब्रेरी है, मेरे वास्ते उन्नी बथेरी है जगह रहन वास्ते, मेरी कोठी नहीं बन रही। ये हॉल बनया एक उहदे ते लिखिया कलगी धर संगत निवास, वो भला कादे लई बनाया? एक ते क्लास लगे, हुण दरबार साहब च गुरबाणी कीर्तन की क्लास नहीं लग सकती, लंगर विच क्लासां नहीं लगदियां, गुरबाणी कीर्तन की क्लास लगे, एक गुरबाणी संथ्या की क्लास लगे,
एक हर महीने सैमीनार करवाइए, मेरा मन करता। और जेडे बच्चे डिस्कशन करनी चाहते ने, विचार करनी चाहते ने, गल करनी चाहते ने, उन्होंने मौका मिले। हुण बाहर आना भज के कोई पैरां नूं चिंबड़दा, तरले कर लईदे ने, माता जी, भैण जी, बापू जी, मत्था ना टेको, फतेह की सांझ रखीए आपां। फिर भी आपां ते मैं वेखना कई साडे वीर ने, कई साडे भरा ने, जदों उन्हां नूं मौका नहीं मिलदा माफ करना, फिर वह कई बार गलत पासे भी चले जाते। उन्होंने ये लगता भी ये तो साढ़े नाल गल नहीं करते, स्टेज पर दवान सुनते हैं घर मुड़ जाने, चलो फिर वह फलाने गल करते हैं, वह तो मिल भी लेंगे ने, सानू फोन भी करते हैं, साढ़े नाल प्यार भी करते हैं, ये तो गल ही नहीं करते। तो मैं नहीं चाहता कि तुसी मेरे नाल प्यार करो, पर मैं ये चाहना भी कुछ ना कुछ इदा होना चाहिए है कि अद्धा घंटा घंटा रोज़ कुछ ना कुछ इदा का हो, जेड़ा आया है वह खाली ना जाए, वह दो चार पंक्तियां समझ के घर मुड़े। भी जे परमेश्वर द्वार मेरे को बह गया आके, तो ना हो भी वो इदा ही मुड़ गया, वो हफ्ते दस पंद्रह शरीर बैठे ने, तो भावें थोड़ा जहा भी पल्ले बन के ले जान, पर उन्होंने ये लगे कि अज मैं गया सी, उतों मैं कुछ लेके आया। अच्छा, नहीं तो उन्हें गल पता की करनी है, वह कहेगा दरबार साहब बड़ा साफ सी, एक गल, गुंबद बड़े चिट्टे चिट्टे सन, दो गल्लां, लंगर विच प्रशादा बड़ा वधिया सी, तीन गल्लां, स्ट्रीट लाइटां लगियां सी, साफ सफाई बड़ी, गुरुद्वारा बड़ा सोहना है, चार गल्लां, बस इन्ना ही। तो जे वो कोई विचार सुन जाएगा दस मिनट बह के, ये तो उन्हें एक दिन गल करनी है, वह विचार उन्हें सारी जिंदगी नहीं भुलना। इनू कहिंदे ने ओए मोया ना जाही छोड़, मरिया नू कौन नहीं छड़ दे, सतगुर दे सुनाए हुए विचार, सतगुर जी की दित्ती हुई सिख्या, वो नहीं छड़ती साडा साथ। इस करके ये चाहना मैं भी वो हाल बनाया है भी इदा विचार होवे, ते उत्थे वेख्या सिर्फ आपां एक गल्लां बातां ते। अच्छा, वो कल सज्जन बैठे, एक घंटा साडी गल होई, वो गल करते सी भी भगती करदे आ बड़ा चंगा तरीका, मैं बड़ा खुश होया सुनिया, वधिया बहुत चंगा। उन्होंने जो आह गल की ना दीवान दी कि साखियां सुनाने लोगों के औगण क्यों फोलीए, बस अपना रब रब करो, मैं फिर उन्होंने बेनती की, मैं क्या गुरबाणी की पंक्ति पढ़ो, भला पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सहाए, माखी चंदन पर हर तह जह बगंध तह जाए। कबीर पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे जह बेगंध तह जाए। ओ मक्खी है जेड़ी गंदगी था गंगी गंदगी तो बह गई जाके, चंदन नहीं चंगा लगता उन्हों, खुशबू नहीं चंगी लगती, महक नहीं चंगी लगती, कहिंदे पापी नू भगती नहीं पाउंदी। मैं क्या सज्जन जी गुरमुखो एक गल का जवाब दियो, कहिंदे दसो। मैं क्या तुसी कहो असी किसे दे घर सिमरन करन आउणा है, वह बंदा बलैकी है, कहिंदा हाँ जी बलैकी है। तुसी कहो भी मैं असी तुहाडे घर ना जी वाहिगुरू करन आउणा है, वह कहेगा जी आया नू धन भाग, नाले लोकां दे नज़रां विच भी आहा ये ते बड़े गुरमुख ने, नाले पढ़दे पैंदे ने, पढ़दा पै जाएगा, ते तुसी वाहिगुरू करो। मैं कहा तुसी वाहिगुरू करोगे उहनू तुहाडी भगती तो कोई नुकसान है करन देवेगा, कहिंदे जी करन देवेगा। मैं कहा वह ते नाल बोलेगा, कहिंदे बिल्कुल। आ वड्डियां वड्डियां रिश्वतां लैण वाले लीडरां दे घरां च तुसी करो सिमरन, वह कहणगे आओ जी असीं वी नाल लग के करांगे वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, वह तो करनगे नाल। मैं कहा इह दसो वह किहड़ी भगती है जिहड़ी पापी नूं नहीं पाउंदी, पापी तो भगती कर रहे ने, वह किहड़ी भगती है जिहड़ी पापी नूं नहीं पाउंदी, पापी तो साडे सामने ने, माफ करना घरवाली है माफ करना, इहो जिहे शब्द कहने पैंदे ने, दस दस जगह फिरदा है
फिर भी आके कहिंदा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। दसो जी पापी नूं कहिड़ी भगती जिहड़ी पापी नूं नहीं पाउंदी। इह तां कहिंदा मैं भी करांगा नाल तुहाडे, भावें स्टेज ते बा लो तुहाडे नाल बहि के बोलांगे वाहिगुरु वाहिगुरु। कहिड़ी भगती है जिहड़ी पापी नूं नहीं पाउंदी दस? ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੋਲੇਗਾ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੂਜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪੰਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਹ ਭਗਤੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਚਲੀਸੇ ਕੱਟਦੇ, ਸਾਲ ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, 5-5 ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ? ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਲੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਤਵਾ, ਕਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰੀ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸਦੀ ਆ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ, ਪਛੈ ਪਰੀ ਵਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਹਿ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਗਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੰਘੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਚਿੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਚਿੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜੇ,
सच ते तुहानू लगता कि सच है, मैनू लगता मेरे गुरु ग्रंथ साहब सच ने, मेरा मन मनदा है मैं सच दे राह ते तुरिया, फिर मैं ये नहीं वेखदा मेरे पिछे एक आउंदा है कि लख आउंदा, पिछे मुड़ के नहीं वेखीदा जो तो सच दे राह ते तुरीए, पुछ के नहीं तुरीदा किसे तो, ना पहला परमिशन लई है भी लोगों मेरे नाल तुरोगे, मैं सच बोला ये फैसला अपना है, लोगों तो पुछ के नहीं फैसले करी दे, ते जो तू सच दे राह ते तुरदा तेनू लगता ठीक है, फिर ये ना वेख मेरे पिंड वाले की कहिंदे ने मैनू, संसार की कहिंदा है, जे तेनू लगता ठीक है, जे तेनू लगता सच है, बाबे तुरिया चल पिछे नहीं मुड़ के वेखीदा किन्ने आउंदे ने, ते ये भी तुसां सुनिया है, सच ते तुर जिंदगी दे राहां विच चलदियां कई कंडे तेरे नाल खैणगे, भरोसा रखी एक दिन तेरे बूहे विच आके फुल भी सलाम कहणगे, वीरो भरावो सच ते तुरोगे फुल भी सलाम करनगे, ते मैं ये पहला भी सुना चुकिया, लिखिया लाइना बड़ी बारी तुसी ये पढ़िया ने मशहूर ने, चार इन्ना भी सच ना बोल के कल्ला रह जाए, चार कू रख लै अर्थी नू मोढ़ा लाण लई, कहिंदे इन्ना भी सच ना बोलिया कर कल्ला ही रह जाए, चार कू रख लै अर्थी नू मोढ़ा लाण लई, पर खालसे ते ये गल लागू नहीं हुंदी, चार तो भी की लैना है, बाद भावें गिरजा खा जाण, भावें कुत्ते खा जाण, भावें नहर च सुट देण, भावें पानी च सुट देण, दसो भला बाबा अजीत सिंह नू किहड़े चार ने मोढ़ा लाया, बाबा जुझार सिंह नू किहड़े चार ने मोढ़ा लाया, बाबा जोरावर सिंह नू किहड़े चार ने मोढ़ा लाया, बाबा फतेह सिंह नू माता गुजरी नू किहड़े चार ने मोढ़ा लाया, तुहाडे चों कोई सज्जण दसे बाबा जरनैल सिंह नू किहड़े चार ने मोढ़ा लाया, मोढ़े वेख दिओ मोढ़े भी किन्ने बंदे मोढ़ा लाणगे, चार भी ना होण पुछ के तुरे हैं किसे तो, सलाह करके तुरे हैं, सच ते तुरे हैं, तुरिया चल जेडे चार भी ने वो भी ना रहन, चार तो भी की लेना है, ते वेखो उदों चार नहीं सन तुरे, अज दस लख तुरदा जदों नगर कीर्तन जांदा, क्यों भाई सजनों दस लख तुरदा प्यारे हो, दस लख उदों चार नहीं सी तुरे, इस करके तुरो सच दे राह ते फिर ना वेखो दुनिया की कहिंदी है, ते अर्ज कर लिया वाहिगुरु 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 जपना भगती है, सच ते चलना जिंदगी विच प्रैक्टिकली जो गुरु ने दसिया ज्ञान लियाउणा ये भगती है, ते सच बोल के किसी के जीवन नू नरक चों कढ़ना ये भी भगती है, आ भगती है जिहड़ी लोगों नू पसंद नहीं आउणी, जे माफ करना जे वड्डे वड्डे साडे शहीद कल्ले वाहिगुरु 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 अपने डेरियां च बह के करदे कदे शहीद ना हुंदे, लोगों नू कोई एलर्जी नहीं इस गल तों, करी जा भाई बाबा वाहिगुरु वाहिगुरु सानू तेरे नाल की नफरत है, गुरु तेग बहादुर साहब भोरे च बैठे रहे भोरे च बैठे रहे बस जदों आए वो कहिंदे जनेऊ धक्के नाल नहीं लाण देना धक्के दा मैं विरोधी हाँ, जदों सच बोलिया फिर की कीता औरंगजेब बादशाह ने सीस धड़ तों जुदा हो गया, ता होया तवी ते क्यों बैठे, वेखो समझो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कदों बैठे तवी ते, जदों आ सच सामने लिया गुरु ग्रंथ साहब, कलगिया वाले सच्चे पातशाह ने जदों खालसा साजिया उदण तो पीड़ होण लग गई सी उन्हां नू, उदू बाद ही विरोध तां चली है सारी, ते माफ करना आ भगती है ना जिहड़ी ये औखी है, सच बोलण दी भगती औखी हुंदी है, मीसणे बणे रहो नहीं बणिया जांदा, जमीर नहीं मनदी अंदरला नहीं मनदा, लोकां नू खुश कर लो दुनिया नू खुश कर लो नहीं, ते इहदे च कोई शक नहीं, गुरु नानक साहब तुरे ने, पिता ने भी चपेड़ा मार दित्तियां सी पर सालस राय वर्गे हक विच भी होए,
हक विच भी होए, कोई ना कोई हक च भी होने वाला हुंदा है, कोई सच दा गाहक भी हुंदा है, कोई कोई ते कदर करदा है। इस करके मैं अर्ज कर रहा वो भगती जरूरी है, आ भगती बिना नहीं जे जग सुधरना। ते जे आखो ना डेरिया च रख के अस्थाना ते रख के किसे नू पंज साल रख लो, साल रख लो, भगती कर लेगा, भगती साल रख के कर लेगा, दो साल पांच साल रख के कर लेगा। वो भी बंदे ने जेड़े को एक मिनट का टाइम नहीं रह सकते, साल साल नहीं, पांच पांच साल रह के भगतियां कर सकते, उन्होंने को नहीं टाइम पांच साल कट लैन, वो साल कट लैन नहीं रह सकते। तो माफ करना 95% तो वह भी लोग ने जेड़े भगती करनी ही नहीं चाहते, पर खालसा उन्होंने भी भला मंगता, सिख उन्हों का भी भला मंगता, जेड़े भगती करनी नहीं चाहते, रब नू लभना भी नहीं चाहते, उन्हों का भी आपां भला मंगना है। इस करके लोड़ है आ ए सच दे राह ते तुरो। कई गल्लां कौड़ियां भी लगदियां ने, बै निकल जाती है, मरचां हैं भावें कालियां कौड़ियां, काली मिर्च कौड़ी हुंदी है पर सुख भी तो दिंदी है। जे टीका लगता है ना एक बारी माड़ी जे दर्द च भी हुंदा है पर ठीक भी तो हुंदा है ना बंदा, इलाज भी तो हुंदा है। वह मोमनों ठगणी वाला काम नहीं करीदा, अगले दे जख्म नूं इदां पलोसी जाओ, कोई गल नहीं तू नहीं केस रखियो तावी कोई नहीं तेरा भला हो ही जाना है। इत्थे अमृतधारियां नूं लड़दियां नूं वेखो, ओए अमृतधारी ते पग्गां लांदे ने ते कट्टड़पुणा है, इदां दियां गल्लां करदे ने कई, ओए एवें कट्टड़पुणा नहीं घोटी दा बहुता, तू बस जे पीना कोई गल नहीं हौली हौली छड़ देंगा, कोई नहीं तू केस कूस कोई नहीं हौली रख, हौली हौली रखी हौली हौली कम चलेगा, इदां दियां गल्लां करदे ने कई। पर नहीं, टीका लाना चाहिए, दसो एक करी औखा भी होएगा पर उहदा इलाज जरूर हो जाएगा, उहदा भला जरूर हो जाएगा। ओए प्यो ते भला करदा है जेड़ा, एक ते ना अपना पिता है पर एक माफ करना एवें ही बनिया है, उहने नहीं भला करना। प्यो ते फिर की करदा है, लाड़ बड़ा करदा है, प्यार बड़ा करदा है। जदों कदे बच्चा गलती करता कन्न कोल जड़ भी दिंदा है, वह भी प्यो का भला ही हुंदा है, प्यो का तरीका है, साढ़े गुरु जी का यह तरीका है सानू समझाण दा। किते किते ना सानू तिखे तिखे बाण मार के भी गुरु जी ने साढ़े सच्चे पातशाह ने समझाया है। इस करके भाई लो हुण एक बेनती समझियो, आषाढ़ महीने विच बेनती होई है, आषाढ़ तपंदा तिस लगा है, इत्थे आपां अरदास कीती, सावण वरिया, सावण सरसी कामणी, निहाल हो गई कामणी, जीव रूप स्त्री हाड़ विच बेनती सी क्योंकि तपती सी धरती। फिर आया सौण, सौण दे महीने विच मीह पिया, बरखा होई, हुण बरखा ते हो गई, अरदास सुनी गई, मीह पै गया, सच्चा मिल गया। अच्छा अगला महीना आउंदा है भादों, जिन्हों आपां कहिंदे आ भादोए, कहिंदे अगे जा के ना, अगे जा के सीधा सीधा तुरिया आउंदा सै, सीधा सीधा तुरिया आउंदा सै, अगे बन गए राह दो, दो राह बन गए भादोए, दो राह बन गए, अरदास होई, मीह पै गया, सब ठीक है, अगे बन गए राह दो। अच्छा ये दो राह बन गए, हुण मुश्किल है, कई बारी ना जे ते सही तुर गया फिर ते मंजिल ते जाएगा, जेड़ा आ गया ना चुराहा, हुण राह दो ने, छड़क पाट दी है, दो राह ने, हुण किधर जाना है, जे इत्थे गलती कर गया फिर नुकसान होएगा। ये जेड़ा भादों है ना, इहदे विच दोवें चीज़ां ही हुंदियां ने, जे ते मीह पै जाए फिर ते सुहावना है, जे बारिश ना पवे फिर हुमस बड़ी हो जाती है, ये तंग बड़ा करता महीना, पसीना बड़ा आता है ये महीना ना, कदी कदी तो लगता आ गया मीह पर सावण वांगू आता है नहीं, फिर उत्तों ही लंघ जाता है, ये नहीं पता हाड़ ही आ जान, ये नहीं पता पसीना सुके ही ना, ये बड़ा इदां दा महीना है। इनू आपां एक रुत नहीं कह सकते भी किदां, इदां ही है, तां ही इहदा नां भादोए रखिया,
ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਹ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਥਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਬੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਨੀ ਪੇਤ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਓਂ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆ ਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ ਸੇ ਪਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹੈ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ 9 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 9:15 ਆ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ,
कपैसिटी है जिन्नी जिन्नी को भुख लगती है उन्ना क ठीक है। कईयां नूं भुख ज़्यादा लगती कईयां नूं घट लगती, कई समझना चाहते ने कई उत्थे कि बस ठीक है बस, पर ठीक है धारना का अपना आनंद है, गुरप्रसंग का अपना आनंद है, साखियां का अपना आनंद है। मैं 15 साल बहुत प्रसंग सतगुरु जी की कृपा नाल संगत में सुनाए, बहुत प्रसंग सुनाए, मैनू आप नहीं चेता भी किहड़े किहड़े इतिहास सुन सुनाते रहे। हुण भी जदों इतिहास कोई समा आउंदा है इतिहास सुनाईदा है, संगरांद ते भी आपां कोई ना कोई प्रसंग नाल छोटा लईए भावें, चलो वह भी हुंदा, मैनू पता भी हर तरह की स्रोते सारे तरह के आ वह भी नाल नाल जरूरी है, पर आ गल भी समझनी है। पहलियां पंक्तियां नूं ध्यान नाल समझना है। दो बेड़ियां विच असवार जड़े ओना नूं किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच असवार जड़े ओना नूं किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच असवार जड़े ओना नूं किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच असवार जड़े ओना नूं किनारा नहीं मिलना, किनारा बेड़ियां विच असवार जड़े किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच सवार जड़े उन्हां किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच सवार जड़े उन्हां किनारा, दो बेड़ियां विच सवार जड़े उन्हां किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच सवार जड़े उन्हां किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच सवार जड़े पढ़ो पैणो किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच सवार जड़े उन्हां नूं किनारा नहीं मिलना, उन्हां नूं किनारा किनारा नहीं मिलना, नानू किनारा नहीं मिलना, नानू किनारा नहीं मिलना, जज के नानू किनारा नहीं मिलना, 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 दो बेड़ियां विच असवार, हाँ दो बेड़ियां विच असवार जड़े उन्हां नूं किनारा, दो बेड़ियां विच असवार जड़े उन्हां नूं किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच असवार जड़े उन्हां नूं किनारा नहीं मिलना, दो बेड़ियां विच असवार जड़े उन्हां नूं किनारा पढ़ो संगते, दो बेड़ियां विच असवार जड़े एक दरदा होके बह जा तू, एक दरदा होके, एक दरदा होके बह जा, दरदा होके बह जा, फड़ियो भाई एक दरदा होके बह जा, वाह दर दर दे फिरने नालों, एक दरदा होके दर दर दे फिरने नालों, एक दरदा होके बह जा, पढ़ दें ना
लड़ लगे आ गुरु जी तेरे पल्ले नाल लड़ लगे आ गुरु जी तेरे पल्ले नाल हमेशा सतगुरु के चरणों में यह अरदास करनी यह बेनती करनी भी गरीब नवाज साढ़े अंदर दुचित्तापन ना आवे असी डबल माइंडड ना होइए डबल माइंडड ना होइए दुचित्ती ना आवे साढ़े अंदर ते आ जेड़ा माफ करना कृपा भी हो जाएगी बेनतियां भी हो जाएगियां सच समझ भी आएगा समझना चाहवांगे नहीं इत्थे आके ना सीधे जांदे जांदे राह बदल लैने आ महीना ये महीने के संबंध में महीने के बहाने सानू गुरु जी समझांदे है। हाँ जी पहली पंक्ति पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हुए तो स्त्री का ना जेड़ी सावन सरसी कामनी सी निहाल होई सी जेड़ी कामनी जीव रूप स्त्री कहिंदे इत्थे ना हुण दूजे रस्ते पै गई सही राह ते जांदी जांदी दूजा राह भला केड़ा है होमै नावै नाल विरोध है होमै आ गई हंकार ऐसी चीज है जेड़ा कहिंदा कोई नहीं नितनेम कर ला मैं फिर भी तेरे नाल हां फिर की है मैं नितनेम ही उठ लै अमृत वेले मैं तेरा खेड़ा नहीं छड़ना मैं अमृत वेले उठना पढ़ लै ग्रंथ मैं तेरा खेड़ा नहीं छड़ना असी हुण ज्ञानी हो गए हैं ये छड़दा खेड़ा बन जा कीर्तनिया मैं तेरा खेड़ा नहीं छड़ना मेरे वर्गी सुर नहीं किसी दी ये छड़दा खेड़ा ये नहीं छड़दा हंकार हुण इत्थे एक होमे की दीवार बनी हुई है जेड़ी पड़दा है इत्थे बड़े ना इदा सीधे सीधे जाते जाते वाह होमे दे हंकार दे धक्के चढ़ जाए इनू कहिंदे माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया ये माया हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए चलते तो हुक्म विच ही ने सारे जीव पर हुण इहदी लग गया मन्नण दुनिया वल लग गया वेखण दुनिया नू खुश करन लग गया पर दुनिया किसे तो खुश नहीं होई एक रब नू छड़ के दूजे थावां ते भटकण लग गया दूजे लगा हेत
ते जेड़ी जीव रूप स्त्री दा किसे भी बीबी दा अपने पति नू छड़ के किसे दूजे नाल प्यार पै जाए माफ करना उहदे शिंगार किस काम फिर वो अपने पति नू ते नहीं ना चंगी लग सकती पति पत्नी दा संबंध है प्यार है पर विच जिवें कहिंदे तीजा रलिया कम गलिया कोई तीजा आ गया जां कोई तीजी आ गई चाहे तीजा आ गया चाहे तीजी आ गई आ गया ना तीजा बस जदों असीं कहिंदे आ फलाने पीर ने दिता फलाने बाबे ने दिता फलाने ने कृपा कीती बाबे तीजा आ गया देंदा है वह चलांदा है वह तेरी गड्डी तेरे दिल विच वह धड़कदा है दिल विच वह धड़कदा है तू कहिंदा फलाने ने दिता फलाने ने कीता ओए नहीं जरिया एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी है मैं अर्ज की सी ना पिछली संगरांद ते तुहानू याद होना है मां दे रूप विच भी वह आया सी मेरी मां मैनू तां लाड लड़ाउंदी रही क्योंकि विच मेरा मालक सी माफ करना जदों साडियां मावां चों साडे पिता चों साडियां वड्डियां चों वह निकल जांदा है ना फिर किहड़े लाड फिर ते सानू चुक के लजाने पैंदे ने मड़ियां तक ओ विच है बस ब्रह्म ज्ञानी है जेड़ा जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान है गुरसिख रंगिया होया ओ मां दे विच जेड़ा जेड़ा मेरे मां दे दिल च धड़कदा मैं उन्हूं वेखना है मैनू चम नहीं दिसदा मैनू दिल च धड़कदा जेड़ा ओ दिसदा आ फर्क है एंगल बदल गया गुर है दिखायो लोयणा अखां देतियां ना गुरु ने हुण इत्ता है उत्ता है घट 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 तू ही मोहे ना हुण दूजे नाल प्यार पै गया पादोए भरम भलाणी आ भरम आ गया मन विच भी कोई दूजा है एक रब नालों टुट गए हंकार दे होमे दे धक्के चढ़ गए दूजे पासे तुर पए जिवें हुण मन इत्थे कहिंदा है रब एक है उहदी कृपा है उहदा बनाया है सुणदा है समझदा है घर जाके फिर अपनियां मर्जियां करदा है फिर भुल जाईदा सारा कुछ फिर वेखो गुरु जी कहिंदे ने रब नालों टुट के सच नालों टुट के सच्चे ज्ञान नालों टुट के तू जिन्ने मर्जे फोके कर्म कांड करी जा किसे काम नहीं अगली पंक्ति सुनो लख शिगार बनाया कारज नाही केत फिर तेरे लखा शिंगार बनाए उस जीव उस बीबी दे लखा शिंगार किते पति नू कदे खुश नहीं कर सकते जे तीजा आ गया है इहदा मतलब की है साडे फोके कर्म कांड ओ थां ते दीवे जगा लो उत्थे नारियल सुट दिओ उत्थे धागे बन दिओ उत्थे इदां कर दिओ कहिंदे तू जो मर्जी करदा रहे अपने गुरु की सिक्ख्या ते नहीं ना चलदा दूजे दीआं गल्लां मन्नदा है कहिंदे लख शिंगार बनाया जो मर्जी करदा रहे कारज नाही केत इन्हां ने तेरा काज नहीं सवारना काज किहड़ा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल ना आ इत्थे काज सवरना है ऐदा ना ऐदा तेरा काज नहीं सवरेगा हाँ जी अगली पंक्ति देखो जित दिन देह बिन ससी तित वेले कहसन प्रेत जदों शरीर छड़ेगा संसार नाल जुड़न करके शरीर पदार्थां वल जो शरीर नूं सुख देण वाले ने ना उधर नूं तुर पए ना आपां जदों ये शरीर छड़िया उस वेले प्रेत प्रेत कहण लग पैणगे प्रेत हुंदा थोड़ा है कहण लग पैंदे ने घर की नार बहुत हित जा स्यों सदा रहत संग लागी जावी हंस तजी है काया प्रेत प्रेत कर भागी प्रेत हुंदा थोड़ा बंदा बस वह प्रेत प्रेत कहण लग पैंदे ने लोग जिन्हां नाल न्यों पा लिया सच्चे नूं छड्ड के होर पासे तुर पिया सी लै कहिंदे लै लै स्वाद प्रेत प्रेत लग पए ना कहण ओए जवंदे विछड़े पर जे सच्चे नाल प्यार रखदा सच्चे विचार तेरी जिंदगी च आउंदे ओए मोया ना जाही छोड़ जे सच नाल जुड़िया रहिंदा सदा कृपा रहिणी सी पर जिन्हां नाल मोह पा के बह गया ये दूजा भाव अंदर आउण दी देर सी
आ कहिंदे लै लै स्वाद फेरा प्रेत प्रेत करके आ गए तेरे गुरु ने ते तेरी बाह छड़नी नहीं सी ये शरीरक संबंध सी बस जिदन शरीर मरिया उदन ही प्रेत प्रेत लग पे कहन पूरा शब्द पढ़े रे बौरे तुहे घरी ना रख है तुहे घरी ना रख है कोई पहलियां पंक्तियां ने जब लग शुरू तो पढ़ो पूरा शब्द जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजे सब कोई बत्ती है दीवा है तेल है विच बत्ती है सब कुछ दिसदा है दीवा बलदा है चानण है अगली पंक्ति वेखो जदों तेल मुक गया जदों बत्ती ठहरानी ठहर गई सड़ गई बत्ती सुन्या हो जाना सारा कुछ हाँ जी तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई हो गया सुन्ना मंदर सड़ गया तेल अश्वास मुक गए वो मालक विचों निकल गया आ शरीर रह गया यदि कोई अपनी वैल्यू नहीं यदि कोई ताकत नहीं अपनी ओ पिया बड़िया बड़िया गल्ला करता सी हुण लोकी पाव्यां दे थले बड़ा बैली बनता सी ना बड़ा रोह मारदा सी हाकियां रख के जीपां ते फिरदा सी रोह मारदा सी ना आ जा घुलना आ जा वेखना करता सी ना चौड़ा होया ले हुण ओ पिया मंजी उत्ते कहिंदे पाव्यां दे थले ना कौलियां तेल दियां भर के धर दिओ क्यों धरदे ने बड़ा वो तेल क्यों धरते ने पाव्या थले क्यों बड़ा ओ बड़ा बैली ओनू किते कीड़ियां ही ना खा जान कीड़ियां ही खा जानगियां फिर वो कीड़ियां चढ़ जांदियां ने मुर्दे ते ओदे पाव्या थले तेल रख दे साडा हाल होना है आ जिहड़े फिरदे आ ना आपां भी हाँ जी असी बस इदां जी इदां कुछ नहीं वेखो अगली पंक्ति रे बोरे तुहें करी ना रख कोई तू राम नाम जप सोई रे बोरे तुहें करी ना रख कोई जेड़ा भी आएगा वो कदों लैके जाओगे जिन्हें भी आना ना ही पूछना कदों कढ़ना फिर संस्कार कदों हरेक ही पूछता है जेड़ा रिश्तेदार भी आए कदों फिर हरेक ने ही कहना है लो पंज प्यारिया नू आ जा आ गए पंज प्यारे संगत नाल थोड़ा जा राह बना दिओ बई बाकी सारी संगत बैठी रवे जी आया नू कहिए जिमें आप अगे कहने उदा ही अज कही सतगुर ने कृपा की धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मेरी नमस्कार बाजा वाले हमेशा ही करिए चरना ते शीस रख दे मेरी नमस्कार बाजा वाले चरणा ते शीस रख के मेरी नमस्कार बाजा वाले चरणा ते शीस रख के मेरी नमस्कार बाजा वाले चरणा ते शीस रख मेरी नमस्कार बाजा वाले बाजा वाले मेरी नमस्कार पंथ दे वाली नू संत सिपाही नू हेमकुंड वासी नू चरणा ते शीस रख के
मेरी नमस्कार बाजा वाले चरणा ते सीस रख के मेरी नमस्कार बाजा वाले चरणा ते सीस रख के मेरी नमस्कार बाजा वाले चरणा ते फड़ो पैणो बोलो सिंगो नमस्कार बाजा गज के पढ़ो चरणां दे बलिहारे बाजा वाले 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 तो बलिहारे बाजा वाले तो जिन्हें खालसा पंथ सजाया खालसा पंथ खालसा पंथ सजाया खालसा पंथ सजाया खालसा पंथ सजाया खालसा पंथ सजाया पढ़ो खालसा पंथ सजाया खालसा पंथ सजाया बोलो जिन्ने खालसा पंथ सजाया खालसा पंथ सजाया नमस्कार बजावाले चरणा ते सीस रखते मेरी नमस्कार बाजा वाले नू चरणा ते सीस रखते नमस्कार बाजा वाले नू चरणा ते सीस रखते मेरी नमस्कार बाजा वाले नू चरणा ते सीस रखते गुरु साहब जी की कृपा नाल 454 प्राणी 450 तो उपर प्राणी गुरु के जहाज चढ़े वाह वाह धन भाग भाई हैरानी होंदी है खुशी भी है सतगुर तो बलिहारे जाईदा इनिया हनेरिया झुलिया ने फिर भी एडी वड्डी गिणती चाहते भी हो ते अमर संचार भी हर संग्रांद ते अगे पिछे भी भावें बार भी होईदा उत्थे भी नाल नाल अमर संचार होंदे जदों जदों दुआन लगदे सतगुर की कृपा है सब नूं वधाइयां समुचे रूप में सारी संगत वालों बई चढ़ती कला च रहो जदों जकारे लगन सब बाहां खड़िया करो संगयो ना साथ दियो बई सारे कृपा करो बोले सो निहाल बोले सो निहाल राज करेगा देख देख पंथ की झूल ते निशान रहन सजदे दीवान रहन
बहुत बधाई है। वाह वाह बहुत जी आया नू अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझो अपने बच्चों नू जो सुनते हो कली कली गल अपने तरीके नाल एक्सप्लेन करो। अंग्रेजी जेड़े बच्चे ज़्यादा समझते हैं उन्होंने उदा समझाओ जिनी गल समझ आती अगे दसो अगे तो अगे अगे तो अगे सेवा करो कड़ी नाल कड़ी जुड़ती जाए सारे प्रचारक बनो घर घर गुरु नानक दे घर का संदेश कलगी धरदा जाए सारे हिम्मत करांगे तां गल बनेगी। अज बड़ी वड्डी लोड़ है बड़िया गिरावटां आ गई ने साडे च बड़िया घाटा आ गई ने सारिआं नूं जागण की लोड़ है समझण की लोड़ है। ये आजाद सोच है धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह किसी तो नहीं डरते आजाद सोच है आजाद धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के ही कहा सी गुलाम करते हो इस्लाम धर्म दे गुलाम करते हो। गुरु अर्जन देव जी लिखो इस्लाम वड्डा धर्म है। गुरु अर्जन देव साहब कहिंदे नहीं हो सकता सच लिखांगा भावें तत्ती तवी ते बाद दिओ अपने सिखां नूं जहर नहीं देनी सच दसना है। ये नरोल सच तैयार किया है इस ग्रंथ में नरोल सच है बस जो सच है वह दसना है एक भी मिलावट नहीं गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह आजाद सोच है। तो कल जिमें आजादी का दिवस मनाया गया 15 अगस्त परसों से 17 हो गई अज ये गणतंत्र दिवस साडा गुणतंत्र दिवस गुणतंत्र गुणा के आधार पर प्रगट किया खालसा की विसाखी का दिहाड़ा खालसे का प्रगट दिहाड़ा खालसे का गुणतंत्र दिवस गुण वेखे जाते हैं गुण आजादी 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 साडे लीडर ने कदे कहा भी तुहाडी आजादी करके ही तो साडे गुरधाम साडे कोलों गए ने पहला तो साडे कोल ही सी ननकाणा साहब साडे कोल सी सारे अस्थान साडे कोल सी क्यों गए आजादी हो गई कादी आजादी हो गई पग आजाद है साडा विआह आजाद है आनंद कारज आजाद ने हुण भी जदों आनंद कारज हुंदे ने उत्थे लिखिआ इह जांदा है असी हिंदू हाँ तो हिंदुआं वांगू साडा विआह होया है ये लिखिया जाता है जदों असी मरदे हाँ साडा डैथ सर्टिफिकेट बनता है उहदे च भी लिखिया जाता है असी हिंदू हाँ असी सिख नहीं हाँ जदों साडी साडा विआह हुंदा है उदों भी ये आनंद मैरिज एक्ट जिहड़ा है हरियाणे विच हो गया लागू हरियाणे विच आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया है सिखां च नहीं होया अजे साडे च नहीं होया ये साडे पंथ कहाउण वाले लड़दे ते फिरदे ने इहनां नूं कहो आ मुद्दे भी सामने लियाओ ना आ भी गल्लां करिया करो गोलकां दीआं लड़ाइयां ते है ने झगड़े ने बड़े पग्गां लै रहीआं ने कतल हो रहे ने जेलां हो रहीआं ने मुकदमे हो रहे आ वड्डे वड्डे केस हो रहे आ पर जिहड़े करन वाले कम्म ने कदी इह भी करो इन्हां कम्मां लई भी कदी आवाज़ उठाओ इहदे वास्ते भी कदे मोर्चे लाओ इहदे वास्ते भी कदे आवाज़ बुलंद करोगे हरियाणे में आनंद मैरिज एक्ट हो सकता साढ़े क्यों नहीं लागू हो सकता साढ़े सामने है कादियाँ आजादियां ने दस्तार आजाद है बड़े थावां उत्ते श्री साहब साड़ी आजाद है पंज ककार साढ़े आजाद ने नहीं आजाद लाने पैंदे ने बड़े थावां ते बहुत थावां उत्ते साढ़े पंजाब विच वितकरा है पंजाबी आजाद है पंजाब दे विच दसो पंजाबी है आजाद नहीं बहुत कुछ इदां दा हो रहा है कादी आजादी जिवें कल बड़ा सोहना किसी ने लिखिया होया सी कहिंदे आजादी जे ते मिल गई है फिर ते तुहाडी मर्जी इहने ते छुट्टी छुट्टी मना लो भी छुट्टी जरूर है आजादी कादी है ते सच्ची गल है बिल्कुल भी छुट्टी का आनंद ते लै लो आजादी कादी ना इत्थे ही पटियाले जी वेख लो प्रोग्राम करना कई ग्राउंड इदां दे ने जिते हिंदुआं दे प्रोग्राम हुंदे ने तुसीं कहो असीं गुरदो असीं समागम करवाउणा गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम करवाउणा है उत्थे इजाजत नहीं मिलदी सानूं कहणगे नहीं इजाजत मिल सकदी ये परमिशन ही नहीं इस ग्राउंड की तुहानूं मिल सकती कदी हिंदुआं दे सब प्रोग्राम हुंदे ने कदे नहीं सिखां दा प्रोग्राम हुंदा विरोधी नहीं आ हिंदुआं दे ये कट्टड़वाद नहीं बोल रहा कट्टड़ नहीं कह रहा सिर्फ सच कह रहा सच्चाई है इहदे च उहनां दी विरोधता नहीं कर रहा मैं पर यह सच्चाई है कि हुण भी वितकरा है आजादी मिल गई ननकाणा साहब का 18,000 एकड़ जमीन किधर गई कान सिंह नाभा ने 18,000 किला जमीन का लिखी है कर दोगे पूरी कदी
हो जाएगी पंथ की इन्नी जमीन कदे मिल जाएगी खालसे पंथ नू। पंथ की जमीन सी 18,000 एकड़ किधर गई? आजादी ने खो ली, गुरधाम खोले गए। किसी ने नहीं कहना मना लो आजादी मना लो जी, हो गया जी बस चढ़ती गला। पता नहीं साडा हुण अपने च कौन है रौला गल करन वाला? आपां नूं ते नचार बन के बस उत्थे भंगड़े पा लीए, व्याहां उत्ते डीजे वालियां नाल नच लीए, वह बीबियां नाल बुढ़े भी रज के पी के शराबा नच लीए। साडे लीडरां नूं धड़ियां च वंडे गए, आपां सारिआं पासिआं तों वंडे ही होए आ, सारे पक्खां तों वंडे होए आ। वेखो पहलां इह वंडिआ गिआ समाज नूं, पहले नंबर ते समाज नूं वंडिआ किवें? जातां दे आधार ते। ये कौन है? ये जट ने। आ कौन है? लबाने ने। आ कौन है? रमदासी है। आ कौन है? ये मजहबी है। आ कौन है? पापा है। आ कौन है जी? ऐदा की होया? सानू जातां दे आधार ते वंड दिता गया। फिर राजनीति, राजनीति बंदा राजनीति वाले पासे गया ते धड़िया दे आधार ते वंड दिता गया। आ अकाली है, आ कांग्रसी है, आ फलानी पार्टी दा है। लो जी पहला तो जातां दे आधार ते वंडे, समाजिक पक्ष तो राजनीतिक पक्ष तो उपर गए, तो फिर कहदे ते वंड दिते? धड़िया के आधार से वंड दिते। तो जदों अगला गुरद्वारे आया, वो चलो गुरु घर जुड़िए बनीए पंथक, जदों अगला इत्थे आया इत्थे संपरदावां दे आधार ते वंड दिते। वह कहिंदा मैं खंड कीर्तनी हाँ, दूजा कहिंदा मैं टकसाली हाँ, तीजा कहिंदा मैं नानक सरी हाँ, चौथा कहिंदा मैं राड़े वाला। लो जी वंडे गए, इत्थे फिर वंडे गए। ध्यान नाल गल समझो, गुरद्वारे आए सी एक होवांगे, फिर वंडे गए सिख, फिर वंडे लड़ते। पहला वो जातां दे आधार ते लड़े ने, फिर वो धड़िया दे आधार ते लड़ रहे ने। मेरी पार्टी, मेरी पार्टी पग्गां है सिख दोवें, आनंदपुर साहब कानफ्रेंसा होंदिया ने, वह भी पग्गां वाले, वह भी पग्गां वाले, वो उन्हां नूं गालां कढ़दे ने, उन्हां नूं गालां कढ़दे ने, कुर्सियां ने लड़ा दिता। उदू उच्चे उठे गुरद्वारे आए सी, लो जी हुण इत्थे ते धार्मिक बंदे ते एक होने चाहिए ने, पर गोडे नाल गोडा जोड़ के बैठे हाँ। वह कहिंदा मेरी मर्यादा आ कहिंदी है, दूजा कहिंदा साडी मर्यादा आ कहिंदी है, तीजा कहिंदा साडे बाबे आ कहिंदे आ, चौथा कहिंदा साडे बाबे आ कहिंदे आ। जिन्ने संत उन्ने पंथ हो गए, वंडे गए कि नहीं? गोडे नाल गोडा ते जुड़ के बैठे हाँ, विचार नहीं मिलते साडे, सानू छड़िया कितने है? वंडे हर थां ते वंडे है, वंडे गए आपां। पर सियाने बन जाइए, पंथक बन जाओ। पंथक प्राइमरी चों पढ़ के आईदा है, फिर कॉलेज च होईदा है, फिर हाई च जाओ, फिर कॉलेज जाईदा है, फिर यूनीवर्सिटी च जाईदा है। जदों यूनीवर्सिटी च चले जाईदा है, फिर नहीं वेखीदा केड़ा केड़े कॉलेज चों आया है, केड़ा केड़े स्कूल चों पढ़ के आया है। ये सरकारी च पढ़िया है, ये प्राइवेट च पढ़िया है, ये केड़े स्कूल च पढ़ के आया है। यूनीवर्सिटी च एक हो जाइदा है, जिद्दण असी सारे एक हो गए उदों असी पंथक हो गए। पंथक बनो, धड़िया चों तो आप आए हाँ, संपरदावां चों तो आए हाँ। मैं गल स्पष्ट कह रहा, जे मैं इदा कह असी तो राड़े वाले होंने, माफ करना मैनू टकसाल के गुण नहीं लभने, जेड़े बाबा जरनैल सिंह दे गुण नहीं मैनू दिसने, फिर मैनू घाटा ही दिसणगियां। तो जे मैं ये कहांगा भी मैं तो खंड कीर्तनियां लैवल मेरे लग गया है, तो फिर मैनू टकसाल दे गुण नहीं दिसने। हर बंदे च गुण, गुणा की सांझ साडे सतगुर ने कहा है, सांझ करीजै गुण है केरी, छोड़ अवगुण चलीए। पंथक है ना जेड़ा, पंथक वो सब धड़िया, सब जाता, सब संपरदावां तो उपर हुंदा है। वो अपनी संपरदा, अपनी जथेबंदी, अपने धड़े की गल नहीं करता, वो पंथ की गल करता भी पंथ की चढ़ती कला किवें होवे, पंथ की चढ़ती कला। मैं विदेशों च जाना बहुत बार, किया है बड़े धड़िया वाले भी, आ फलाणिया के अज दवान है, अज फलाने गुरुद्वारे दवान है, अज फलाणिया के गुरुद्वारे दवान है, फलाने जथे वालों है। मैं कई बार कहना हूं, मैं चाहता मैं अपना भी एक धड़ा बना लेंदा, साडा भी एक धड़ा बड़ा वड्डा बन जाना सी। ऐसी गल नहीं, छुट्टियां करा के भी गड्डिया लोग नाल रखते ने, पूरा पूरा महीना जे मैं रहिंदा तो छुट्टियां करा के दवान सुनते हैं, जिनी संगत साढ़े नाल हुंदी हाल तो वो ही भर जाते हैं। हुण नूं अपना भी एक धड़ा कायम कर लेंदे, आ जी साडा धड़ा बन गया पक्का ही, पर नहीं, इत्थे भी यही कहा असी सब नाल प्यार करदे हां। गुणा की सांझ करो,
गुरमत अनुसार जिहदी गल ठीक है गुरबाणी के आधार से वह साढ़े लिए चंगा है तो यही असी इतने आने वाले सिखाने कदे नहीं कहा तुम ये कहो भी असं तो उन्होंने ही हैं ना बई चंगी गल जिथों मिले लो चंगी गल जिथों सीख सकते हो सीखो जिथों सही तुर सकते हो तुरो तो कृपा होवे आजाद सोच होनी चाहिए है सिख की बंधन में ना बजी तेरे गुरु ग्रंथ साहब सिखा आजाद ने तू आजाद सोच वाला हो तो जिदी सोच आजाद है वह पंथक है किसी तरह की भी गुलामी सिख नहीं बर्दाश्त कर सकता जे गुलाम है वह सिख नहीं है वह सिख नहीं है जे गुलाम है किसी तरह की भी जात की धड़े की संपर्दा की किसी तरह की भी गुलामी है जी वह आजादी नहीं हो सकती आजाद होने की लोड़ है किसी की असी विरोधता नहीं करते मैं अर्ज करांगा चंगा पक्ष लोगों सामने साडा घट आउंदा बहुत घट चंगा पक्ष साडा आउंदा साडे सही सिद्धांत लोगों असी किसी हिंदू का किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते वो अपनी अपनी जगह राजी रहन पर सिख नू दस्या जांदा है भी असल मर्यादा की है हिंदू ने जेड़े सही मर्यादा विच जेड़े आ गए आ बेचारे हिंदुआं का भी तो घाण होया है वो तो घर च बैठिया भी तो लुटिया उन्होंने पंडितों ने भी लुटिया उन्होंने कहना छड़िया उन्होंने भी लुट पई है वह भी दुखी है ने कई तो माफ करना जेडे हिंदू गुरु ग्रंथ साहब के ब्राह्मण बैठे ने ब्राह्मण जेडे गुरु ग्रंथ साहब के बैठे है वह भी भगत ने जदों वो इत्थे आ गए उन्होंने जी आया नू कहा उन्हां दी बोली केड़ी है गुरु ग्रंथ साहब की बोली पंजाबी नहीं गुरु ग्रंथ साहब की बोली गुरमुखी है ये गुरमुखां दी भाषा है गुरमुख की भाषा भावें जिहड़ी मर्जी होवे हिंदी बोले वो गुजराती बोले वो तमिल बोले वो बंगाली बोले जिहड़ी मर्जी बोली बोले पर गल रब की करता है वो भाषा नूं असीं गुरमुखी भाषा कहिंदे आ गुरु ग्रंथ साहब की भाषा गुरमुखां की भाषा है ये गुरमुखी है गुरमुखी अखर पंजाबी ने 35 बोली गुरमुखी है अखर पंजाबी वाले ने पंजाबी नहीं है गुरमुखी ते जिदन साडे अंदर सच आ गया सच बोलन लग पे उदन साडी बोली भी गुरमुखां वाली हो गई उदन फिर साडी गुरमुखी बोली उदन तेरी दस्तार गुरमुखी उदन तेरा पहरावा गुरमुखी उदन असी गुरमुखी बन जाने गुरमुख बनो पंथक बनो उच्चे उठो लोड़ है अज बहुत जागण की लोड़ है सुते रह गए सतगुरु ने बड़ा जगाया सतगुरु ने बड़ा हलूणिया आवाज दिती है थां थां ते जगाया पर फिर सौ जाने माड़ा जा हिलने माड़ा जा उठने फिर सौ जाने सौन वाले जागण वाले रज के लुटिया है सोए तुसी भी हो सोए असी भी हाँ लाली अखियां दी पई दसदी है रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ वो कहिंदे लुट गए जागण वाले लुट गए आपां सुते रह गए भोली कौम है भोले हाँ कहन नूं भावें जो मर्जी कही जाइए मेहनत करदे हाँ घालना घालन वाले घालना घालदे रहिंदे आ कुर्सियां ते कोई होर बह जांदा है जिदन अहुदियां दी वारी आउंदी उदों कोई होर लै जांदा है भोली कौम है पर एक गल होर चेता रखियो दगा 100 वार खा लो धोखा 100 वार खा लो फिर भी चल जाता है किसी नूं धोखा दिओ ना एक बार धोखा देन नालों 100 वार धोखा खा लेना चंगा है ते साडी कौम है ना जेड़ी ये धोखे खांदी रही है अज तक किसी नूं धोखा दिता नहीं धोखा नहीं दिता ये सच्चाई है कुरबानियां करते रहे ने हुण भी साडे नौजवान लड़दे अड़दे मरदे आ पर धोखा नहीं कदे किसी नूं दिंदे ते धोखा देना नहीं पर कोशिश आपां इह करिए भी धोखा ते आपां देंदे ही नहीं आपां धोखे खाइए भी ना धोखा देंदे ते है ही नहीं पर धोखा खाइए भी ना इन्ने क सुचेत होइए अच्छा जी ये सुचेत सानू कौन करेगा गल फिर उत्थे मकावांगा धन गुरु ग्रंथ साहिब बाणी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे की है ये पढ़ो सतगुरु के सिद्धांत पढ़ो किवें गुरु ग्रंथ साहब सच बोलते हैं किवें पखंड नूं पखंड कहिंदे आ की सानू सिखिया देंदे आ ये सानू सच ते चलना सिखांदे ने सच्चा साडा जीवन बनांदे ने इस करके आओ गुरबाणी दे लड़ लगीए गुरबाणी तो पढ़ीए गुरबाणी ते शरदा रखीए
जो गुरु जी पढ़ाते ने वह पढ़ीए। लो हुण सजणों बेनती है भी पांच चार मिनट हुण तुसां बहना है, आपां शब्द पूरा करना। एक तो अपना शब्द चल रहा कबीर जी का, तो नाल गुरु अर्जन देव सच्चे पाए दो दो शब्द ने, तो आप ना थोड़ा थोड़ा बस हुण टाइम तुहाडा बहुता नहीं लैना, बड़े ध्यान नाल एकाग्रता नाल बैठे हो तो इदां ही बैठे रहो। हुण वेखो रे बौरे ये पंक्ति हुण दुबारा सुनो। रे बोरे तुहें करे ना रख कोई, तू राम नाम जप सोई, तू राम नाम जप सोई। रे बोरे ओ बोलिया ओ कमलिया, भलेखे विच पया बंदा बोरा ही हुंदा है, भुलेखे च पै गया तेनू भरम हो गया, तू दूजी बेड़ी च पैर तां धर लिया सी, असली बेड़ी छड बैठा है, सच दा राह छड के भा दोए दूजी बेड़ी च पै तेरा पैर टिक गया है, इस करके भुलेखा पै गया तेरे मन विच। तित वेले कैसन प्रेत, यो पंक्ति दे नाल शब्द जुड़दा है। रे बौरे तो है घड़ी ना रख है कोई, किसे ने तेनू घड़ी नहीं रखना, पढ़ते होंगे सी। रे बौरे तो है घड़ी ना रख है कोई, रे बौरे तो है घड़ी ना रख है कोई, रे बौरे तो है रे बौरे तो है गज के, रे बौरे तो है कोई, रे बौरे तो है करी ना रखे कोई, रे बौरे तो है करी ना रखे कोई, रे बौरे तो है करी ना करी नारा गज के। ओ घड़ी नहीं रखना, जिन्ने आना उन्हें कहना कदों ले जाओगे, कदों कढ़ना है, कदों संस्कार होना है, सब ने यही आखना है भाई। अगे वेखो फिर महाराज कहिंदे कि मां मेरा पिता मेरी घरवाली, कहिंदे सोच है कि दस जवाब दे। देखो कबीर साहब की कहिंदे, काकी मात पिता को काको, कबन पुरख की जोई, दस कहो काको, दस को केड़ा मां केड़ी मां केड़ा पिता केड़ी घरवाली, कौन है तेरा इन्हां विच्चों, कौन खड़ेगा तेरे नाल। हाँ जी, कट फूटे को बात ना पूछे, काटो हो काटो होई, काटो काटो होई, क्लियर बिल्कुल। लो जी इदां दे टीके रोज लगन ले आएगा मान, हुण जिहड़ा गिठ तां फिरदे आ सब को भरिया फूक आखण कहन ना थम्मी है, जिहड़ा साडा धरती ते पैर ही नहीं लगता, गिठ तां ही तुरदे आ जिहड़ा इदां दे किते टीके लगे होण, आ सकदा मान नेड़े तेड़े रोज रोज। तां कहिंदे सी नित नेम, इदां रोज तैनूं बाणी पढ़े ते कोई वकार नेड़े नहीं आ सकदा भाई, ये आउंदे ही तां ने बाणी नालों टुट्टे होए आ। आ वेखो इदां दे बचन सुण के एक करी दिल हिल जांदा है, बेचैन जिहड़ा विगड़िया मन है ना बेचैन हो जाता, रात सारी नींदर नहीं आती, नींदर नहीं आती, हिल जाता दिल गुरु जी दे बचन सुन के। हाँ जी, देहरी बैठी माता रोवे खटिया ले
आई लट छिटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई पल्ला छड़ा लिया घर वाली भी रोंदी है मां भी रोंदी है बैग बैठी रोंदी है लै गए कबरां विच लै गए मड़ियां विच कल्ला चलिया हुण कल्ला हुण साब तेरी जिंद नाल हो रहा औखी जिंद अपनी होनी है लास्ट पंक्ति सुन लो कहत कबीर सुनो रे संतो पैसा गुर कहताई इस बंदे सिर जुल्म होत है जम नहीं हटे गुसाई ओ हटदे ने जम जम मतलब मौत दे फरिश्ते ए नहीं कि जम ए प्रचलित गल है वो वकार ज्यौंदे नूं भी तंग करदे सी जम लै गए फिर उही वकार लै जांदे ने खत्म हो गया पर जोत नाल जोत नहीं मिली वकार खा गए काम क्रोध काया को गले ये हटन वाले ने कि पल्ले बनिए सच एक पंक्ति है बड़ा प्यारा बचन है फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली मुछा भी पलिया ये पंक्ति एक बार पढ़ दो फिर सावन भादो है फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली मुछा पी पलिया रे मन गहले बाबले माने गहले बावले माने क्या रलिया सिर पलिया बाबा फरीद साहब कहते तेरा सिर चिट्टा हो गया पल गया दाढ़ी पली दाढ़ी भी हुण चिट्टी हो गई मुछा भी पलिया हुण ते तेरिया मुछा भी चिट्टिया हो गई ने हुण ते शर्म कर लै वेखो गुरु जी का बचन बाबा फरीद साहब का भी गैला वो रे मन गहले बावले माने क्या रलिया अजे भी रलिया बड़े रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजिया रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजिया बड़े रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजिया बड़े रंग तमाशे वेखे नहीं बड़े रंग तमाशे भाई गज के नहीं बोल दे बड़े रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियों रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियों रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियों रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियां बड़े रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियां 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 बड़े रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियां रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियां बड़े रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियां रंग तमाशे वेखे अखियां नहीं रजियां रे मन गहले बावले माने क्या रलियां अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे उस्तत निंदा कन्न सुन रोवण ते हासे रजदा कि मन इस करके भाई जदों शरीर छड़िया उस वेले प्रेत कहन लग जाएंगे पंक्ति पढ़ दिओ दोबारा
तित वेले कहसन प्रेत जित दिन दे बिन ससी वाह तित वेले कहसन प्रेत उसे वेले शरीर छड़न दी बस देर है प्रेत कहण लग पैंदे ने हुंदा नहीं प्रेत बंदा होई है होर प्रेत केड़ा आ गया बस प्रेत प्रेत कर भागी हां जी पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत ज्यौंदियां वकार फड़ी रखदे ने जिंद साडी मर गए वकार लै गए जोत नाल जोत नहीं रली वकार खा गए देही देही नू काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सुहागा ढाले लै किथे गए आपां लिखदे आ स्वर्गवासी गुरु अर्जन देव जी कहिंदे पता ही नहीं लगता बंदा जांदा किधर नू है आखो सतना ना सानू कौन दस गया भी स्वर्गवासी सानू किन्ने दसिया सानू किन्ने दसिया भी स्वर्गवासी महाराज कहिंदे ने किसे ना देनी भेत कहिंदे भेत ही नहीं किसे नू भी बंदा गया किधर ओदियां रंगां दा की पता नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समा है हां जी अगली पंक्ति पढ़ो छड खड़ो देखने माहे जिन से ओ लगा है तो एक खेन च छड़ देंदे ने खेन च जिन्ना नाल बहुता मोह करदा ना ओ छड़ देंदे ने एक खेन च ले जो मरदा वेख्या कोई नाल आपां च पता की हाल है वेखो जी लोकां दीआं गल्लां होणगीआं साडे वाले ते बड़ा प्यार करदे ने मैनू मेरे बच्चे मिंट मिंट ते फोन करके बोले पापा किथे है डैडी जी किथे हो जिहड़े बहुते पड़े डैड किथे हो इदां बस हर बंदा अपनी अपनी सोच लो मेरी बीबी मैनू रोज बीबी मॉम पढ़े लिखे बाद थोड़ा फर्क पा लेंदे ने भी नहीं जी एवें गल्लां बनियां ने मेरे घर वाली रोटी नहीं खांदी जिन्ना चिर मैं घर ना जावां ओ नहीं खांदी ओ नहीं बचदी मेरे बिना ओ ते नाल मरेगी सब भरम है साडे गुरु जी कहिंदे ने मरदा नहीं वेख्या कोई किसे नाल सुख मयान बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै बिपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरै कोई नहीं ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਡੰਗ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੇਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੋਹ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋ ਆਸੇਤ ਰੰਗ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਹੋ ਹੋ ਆਸੇਤ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਵੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਉਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਰੋਵੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਯਾਦ ਉਹ ਪਤਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ज्यौदे ज्यौदे सचखंड च, पर ओ ते फिर दुखी हुंदे ने, कंबदा है शरीर, हाथ मलदे ने, रंग इक आउंदा इक जांदा है, ए पीला हो जांदा जिहनू कहिंदे बग्गा हो गया। हाँ जी, जे बीजे सोलुणे करमा सदड़ा खेत। हुण जी जिहो जिहा बीजिया उहो जिहा वढ रिहा ना, ज्यौंदा भी बंदा उदां दा ही वढदा है, जिदां दीआं करतूतां उदां दा अंदरला सचखंड, उदां दी शांति, जिदां दा जीवन चंगा उन्नी क शांति है ना, नहीं ते नरक बनिया होया। करके जी मन आईया सचखंड नहीं मिलना, 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 जे करनी मन दी मर्जी सचखंड नहीं मिलना, नी मन दी मर्जी सचखंड नहीं मिलना, जे करनी मन दी मर्जी सचखंड नहीं मिलना, करनी मन दी मर्जी सचखंड नहीं मिलना, जे करनी मन दी मर्जी सचखंड नहीं मिलना, करनी मन दी मर्जी सचखंड नहीं मिलना, करके जी मन आईया, करके जी मन आईया सचखंड नहीं मिलना, 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 मन दियां मर्जियां करके फिर किथे, जिहो जिहा बीजिया उहो जिहा वढ रिहा है, अज जिंद औखी हो रही है। हाँ जी, वेखो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दा अगला बचन प्रगट हो के गुरु जी की दसदे है, वेखो। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहेत प्रभ देत। नानक मोर ला के गुरु अर्जन देव जी नानक पद दी, मैं तेरी शरण च आया मालका, चरण बोहित प्रभ देत, जेड़ा उदी शरण विच है उन्हूं अपने चरणा नाल जोड़ लैंदा है, वो दो बेड़ियां च पैर नहीं हुंदा, वो एक बेड़ी ते चढ़दा है। ते चरण की ने, ये तुसी ध्यान नाल सुनिया ही है, पहलियां संगरांदां ते भी सुनदे रहे हो, गुरु जी दे चरण हुंदे ने, गुरु जी दे बचन गुर के चरण हिरदे ध्याए, गुरु ग्रंथ साहब दे चरण ने, गुरु ग्रंथ साहब दे बचन, वाहिगुरु जिन्हां दे कृपा करदा है उन्हां नूं चरणां दा जहाज भाव बचनां दा बेड़ा बाणी दा जहाज मिल जांदा है, वह बेड़ी ते चढ़ के बस फिर एक बेड़े ते ही सवार हुंदे ने, एक अकाल पुरख ते टेक रखदे आ, वह दूजे किसे ते भरोसा नहीं रखदे। लास्ट पंक्ति सुनो, से पा तो नरक ना पाईए गुर रखण वाला। हाँ जी, गुरु है रखण वाला, वह नरक च कितों पै जाएंगे, उन्हां अंदर द्वैत किदां आ जाएगी, वो दो बेड़ियां च पैर किदां रख लैणगे। गुरु है रखण वाला, जिन्हां दा भादों दा महीना इस महीने च उपदेश है, तंग करदा है भाव कहण दा, वह जीव रूप स्त्री नूं जो तीजा आ गया, दूजा पति ते नाल एक दूजा भी है, पर जिहड़ा एक गुरु दे लड़ लग्गिया है वह एक वाहिगुरु ते टेक रखदा है। जिन्हां नूं गुरु मिलिया सतगुरु उन्हां नूं बचा लैंदे ने। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साके जल, निरतन को तन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपा ले। ये जहाज बनाता
वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। सवाओ धन्यवाद है बड़े प्यार नाल आप जी ने अज हाजरी भरी। पहली बेनती अरदास तो बाद जाना है आपां हुक्मनामे सुन के जावांगे सतगुर अगे अगे फिर आपां चल। सारिया संगतां दा धन्यवाद। अगली संगरांद फिर 17 दी आउणी है भाई 17 सितंबर महीना सितंबर 17 इस तरह रात का प्रोग्राम होना है। ऐतकी शुक्र है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का जिन्ना मौसम ठीक रखे है। आ जिहड़ा महीना हुंदा है ना इस महीने की संगरांद के उत्ते बहुत औखा हो जाता बैठना दवान च इन्नी हुमस हो जाती पर ऐतकी ना कृपा ही रही है बहुते कीड़े मकौड़े भी नहीं आए उदा भी तुसीं टेक के बैठे रहे हो। बहुत बहुत शुक्र है वाहिगुरु का साढ़े ते कृपा की थी। ये सब साढ़े आगुआ के पंगे पाए है इन्होंने अजे तक एक कैलेंडर नहीं सही तरह बना सके होर की करनगे। हुण जिदा हुण साडा काम है असी आ धारना पढ़ सकते कोई मैनू कहे भी राग सुनाओ हाथ जोड़ के कहांगे सानू नहीं जी आउंदे असी इत्थों तक नहीं पहुँचे असी अणजाण क्लीयर गल सानू कोई गड्डी कहेगा चलाओ माड़ी मोटी चला लाँगे जे कोई जहाज उड़ाओ उड़ा लाँगे नहीं उड़ना पागल ना। जेड़े कैलेंडर दे माहर बंदे ने वो कैलेंडर बना सकते हैं सही ढंग नाल कैलेंडर बने होण एक एक तरीक पक्की होवे अजे भी उलझण तानियां साडे च पईआं होईआं एक एक दो दो आ रहे ऐतकी आपां 5 तरीक का गुरु गोबिंद सिंह का अवतार दिहाड़ा जिमें 7 का मनाया हुण आउणा है 28 का 2014 च एक आपां मना लिया जनवरी च एक आना है 28 का दो आ गए एक साल च दो गुरपुरब गुरु गोबिंद सिंह दे 14 च 15 च आना ही कोई नहीं पूरा साल नहीं आना गुरपुरब 16 च आना दो फिर आने 16 च लो ला लो साहब आ साडे वाले बच्चे तो जनवरी फरवरी जाते हैं इन्हों पोह मांग का पता ही नहीं लगता इन्हों तो एक तरीक पक्की होवे अगला हसद छुट्टियां की कराओगे कदे कोई दिन कदे कोई दिन कदे कोई दिन हालांकि आ देसी महीने आ जिहड़ा माघ पोह है ना ये इन्हां दे धर्म विच मन्निया जांदा है हिंदुआं विच पर इन्हां ने अपने दिन पक्के रखे हुए ने अपने दिन पक्के रखे हुए है 2 अक्तूबर की छुट्टी हुंदी है क्यों भला क्यों हुंदी भला की हुंदा महात्मा गांधी का जन्म है। लो वेखो बच्चे बच्चे नूं पता है हुण गुरु गोबिंद सिंह का जन्मदिन कदों है जी नहीं पता तरीक एक होवे तो पता होवे गुरु गोबिंद सिंह का जन्मदिन नहीं पता ये भी तो साढ़े नाल खिलवाड़ ही है धोखा ही है बन गई सी एक तरीका फिर उलझ गया मसला फिर उलझ गया तरीका एक हो गई सी 5 जनवरी पक्की हो गई सी भी रट दौ 5 जनवरी का गुरपुरब है साडा बच्चा बच्चा याद करे साडे कलगीधर जी का अवतार पुरब आ रहा हुण फिर नहीं पता लगता असी स्टेजा ते बोलन वाले हाँ सानू भी गुरपुरबां दीआं तरीकां याद नहीं रहिंदियां इस करके ये बड़ा मुश्किल है ये भी साडे नाल धोखा है साडे दिन पक्के ही नहीं हो सके अज तक पता नहीं है कित्थों की चालां चलदियां ने ते रब जाणे पर घाटा साडी कौम नूं इस गल दा बहुत वड्डा पै रिहा ये निक्कियां निक्कियां गल्लां काउंट हुंदियां ने। आओ अगली संगरांद 16 दी है लो पक्का हो गया हुण 16 दी संगरांद है अगली हुण भुल्लियो ना भाई 17 दी भी होएगी तां भी 16 नूं आपां आ जांगे आपां ये दिनां दी ते पहले ही मैं कहा भी आपां ये भरम ही नहीं करना अगली संगरांद ते दर्शन बख्शो सब संगतां दा प्रबंधकां दा सब दा धन्नवाद जिथे जिथे जिहड़े जिहड़े सेवा करदे हो तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद। अगली संगरांद तो बाद दवान इत्थे देते ने थोड़ा चिर बाहर जाने का प्रोग्राम अजे होर 3 टूर इस बार मैं गया महीना इंडिया रहा फिर जाना पिया 3 बारी गया अमेरिका विच
हुण थोड़े दिन का प्रोग्राम बाहर का होर है, 15 दिन, फिर उस तो बाद इंडिया विच 8 महीने लगातार दवान दिते है। सितंबर की संग्रांद तो बाद फिर लगातार इत्थे प्रोग्राम हैं, वख-वख शहरां विच पिंडां विच प्रोग्राम हैं। अच्छा जी, एक होर बेनती है, अज बहुत सज्जन दवाना वाले कई आए हुए ने, मेरे तो नहीं मिलिया गया, तो उन्हां नूं बेनती है भई जिहड़ा एतवार आएगा, हुण किन्नी तरीक दा एतवार, एक ते अज है 24 दा, 24 तारीख का एतवार अगला, उस एतवार दवान हाल दे विच स्टेज लगेगी। जिवें आपां अगे भी एक बारी कीता सी, दवान का टाइम होएगा, जथा शुरू करेगा 11 बजे, भुल्यो ना, टाइम ना भुल्यो, 12:30 बजे तो लैके 2 बजे तक, 1.5 घंटा मैं हाजरी संगत च भरांगा, क्योंकि दवान घट ने, तो उदन जिन्हों का टाइम होवे, जिन्हों को अगले एतवार दोपहर नूं वो आ जाए। दरबार साहब दे विच एक दवान रखिया सी एतवार दा, संगत फिर ज़्यादा हो गई सी, तां करके आपां दवान हाल दे विच रखांगे। दवान हॉल दे विच एतवार प्रोग्राम होएगा, जिन्हों को समय वो आ जाण, नहीं तो अगली संगरांद ते है ही है, उहदे ते आउणा। ये दिन का प्रोग्राम होएगा, 11 बजे जथा शुरू करेगा, तकरीबन 2 बजे तक, तो जिहड़े कोई प्रोग्राम वाले आए आ वो फिर उदों मिल लैण, जिन्हां नूं जदों जिदा 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 तरीकां सैट हो सकणगियां, आपां उदा उदा अगे फिर प्रोग्राम रख देंगे। सारियां संगतां नूं जी आया, जो सुणदे हो अगे सुनाया करो, जिन्नी कु गल समझ आउंदी अगे दस्या करो, चार चार नूं होर दसो, कैसटां वंडिया करो, सीडियां नाल प्रचार हुंदा है, कल्ले कल्ले नूं अगे तों अगे जिन्नी गल समझ आउंदी अगे समझाया करो। संगरांद ते आउणा है, एक एक दो दो चार चार नूं होर नाल प्रेर के अमृत छकण वास्ते नाल लैया करो, कोई टुटिया जुड़ जाए, किसी ना किसी का टुटे का भला हो जाए। सो इहदे वास्ते यतनशील होवो, सारे जने आपां उद्यम करिए तां गल बनेगी। सतगुरु साडे ते किरपा करन, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन सोए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए। सारी संगत हुण गज के आनंद साहब च बोलो, अरदास च जुड़ो, सारी संगत दा महापुरखा जाए। बाबा मनी सिंह जी सन एक इंग्लैंड विच, उन्हां दे स्थान ते बाबा जी बाबा सुरिंदर सिंह जी वो आए हुए, बड़े प्यार वाले ने, बाहर भी मिले एक दो वारी, इत्थे भी दर्शन दिते। सो बहुत जी आया नूं बाबा जी नूं, उन्हां दे नाल जिन्नी संगत आई है, जो उन्हां दे साथी सहयोगी आए उन्हां दा धन्नवाद। बाबा धर्मवीर सिंह जी घरांगणे वाले, बाबा प्यारा सिंह जी, बाबा कश्मीर सिंह जी, इस तरह जिन्हें महापुरख आए हुए ने, सारिआं दा धन्नवाद। हाँ जी, बाबा सुरजीत सिंह जी, सारे ही इन्ने सालों तो प्यार कर दे, इन्हां दा प्रेम बनिया होया नहीं, तो बहुतियां दा मेरे नाल प्रेम घट ही बनता, मैं कई गल्लां सीधियां कह दिंदा, कईआं दे डेरियां चों गल्लां लागू नहीं हुंदियां, फिर वह मेरे ही विरुद्ध होकर कढ दिंदे भी ये जी साडी आह गल ते तवा लाता इन्हां ने, इदां कहता तवा नहीं हुंदा, वो सतगुरु कहिंदे ने साडा फर्ज है असीं सच दसीए, मेरा फर्ज है। वह कई बार मैं इदां कहिंदा, तो इस करके इन्हां दा ते इन्ने सालों तो प्रेम ही है, चलिया ही आउंदा है, इदां ही मार्ज मेहर रखण, ये बनी रहे, सतगुरु इसे तरह कृपा रखण। आओ हुण आनंद साहिब च गज के बोलो, होईआं भुल्लां दी खिमा करनी, सारी संगत कृपा करो, जिन्ना चिर गरीब नवाज इत्थे ने ना उन्ना चिर उठना नहीं किसी ने, सतगुरु जी अगे अगे जाणगे फिर जाना, इकट्ठ बहुत ज़्यादा है, भैणां भी बड़े ध्यान नाल जाओ, वीर भी वेखियो, भुल्यो ना भाई, जो सुणदे उहनूं पल्ले बन के रखियो, कोई भी करम इदां दा जिंदगी च ना करो कि पछताणा पवे बाद विच, सेवादार पहरेदार भी करडे रहण। बाकी तुसी आप सारे स्याणे हो, बहुत ही अमृतधारी संगत है, पढ़े लिखे हो, सूझवान हो, गुरु घर विच ध्यान रखीदा है, किसी की भैन साडी भैन वर्गी है, किसी की माँ साडी माँ है, इस गल का ख्याल रखना है। सो सतगुरु जी का अदब मुख रखो, ये समझिए असी असी किस स्थान ते हाँ, अस्थान की पवित्रता कायम रहे हमेशा, जो स्कूल है साडा, स्कूल की सफाई तो है ही है, असी बाहर भी समाज में सफाई करनी है, अपने जीवन को उच्चा सुचा बनाना है,
धन्यवाद, बड़े प्यार नाल सुनिया। गज के हुण आनंद साहब विच बोलो कोई रसना वांझी। राम कली।